यस थैंक यू आशीष या प्लीज ठीक है तो इसका इस प्रेजेंटेशन के तीन हिस्से हैं. पहला हिस्सा जो है वो आज की जो स्थिति हमारी गंभीर स्थिति है उसके बारे में, लेकिन वो बहुत ही संक्षिप्त में करूंगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को मालूम होता है कि या आप लोगों को मतलब अलग अलग पहलू जो हैं आज की गंभीर स्थिति के लोगों को मालूम ही है, इसलिए वो थोड़ा सा संक्षिप्त में तेजी से करूंगा. दूसरा हिस्सा है कि लोग इसके लिए इस स्थिति के रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा और ज़्यादा लंबाई में करूंगा. बहुत सारे उदाहरण लूंगा मैं, ना केवल भारत से लेकिन दुनिया के और जगहों से भी. और तीसरा हिस्सा जो है वो इस इन उदाहरणों से, खासकर जो ज़मीनी स्तर पे जो काम चल रहा है, उनसे किस तरह का एक वैकल्पिक ढांचा निकल के आ रहा है हमारे समाज का, और उस तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में तीसरे हिस्से में मैं बात करूँगा. आशा है कि 35-40 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 40-45 मिनट के लिए भी रही. तो पहले हिस्से में तो आप सबको मालूम ही है कि जिसे आज हम विकास कह रहे हैं, डेवलपमेंट कह रहे हैं, एक तरफ से तो खैर बहुत लोगों को फायदा है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है, जो गलत इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, वो एक तो प्रकृति पे है, क्योंकि ये जो पूरी विकास की अवधारणा है उसमें प्रकृति के लिए कोई हिस्सा नहीं. प्रकृति का हिस्सा यही है कि उसका कितना ज्यादा हम शोषण कर पाए, कितनी मात्रा में हम निकाल पाएं और उसमें कितना हम कूड़ा डाल पाएं. तो आज की स्थिति तो सबको मालूम ही है कि प्रकृति की हालत है, ना केवल भारत पर पूरी दुनिया भर में. लेकिन उसके साथ में जो प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं, खासकर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, जो जिन मतलब रोज की आजीविका, रोज की संस्कृति वगैरह जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, उन पे भी ही बहुत पूरा असर इसका पड़ता है. और ये जो एक पूरी आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण की जो एक पूरी प्रक्रिया है जिसे हम विकास कहते हैं, उसमें मेरे ख्याल से जो है जो लाइवलीहुड्स थे, माने कि जो आजीविकाएं थी, आजीविका में जीव है, लाइवलीहुड्स में लाइव है, जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई थी, उनका विनाश हो रहा है. और दूसरी तरफ जो काम उभर के आ रहा है आधुनिक सेक्टर्स में, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो उद्योग वगैरह हो, वो काम एक ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत बोरिंग, बहुत मैकेनिकल, बहुत मतलब सुबह 8-9 बजे से रात को 7-8 बजे तक काम करना, एक ही टेबल पे बैठे रहना, ये इस प्रकार के जो जॉब्स हैं उसे मैं डेडलीहुड्स बोलता हूँ. तो ये एक पूरी प्रक्रिया लाइवलीहुड्स टू डेडलीहुड्स की जो है वो हम देख रहे हैं. इसमें पूरी पृथ्वी का जो विनाश हो रहा है, और आज क्लाइमेट की बात तो खैर सब लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ना केवल क्लाइमेट पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का विनाश, पानी के की जो दिक्कत आ रही है पूरे विश्व भर में, बाकी अन्य भी कई चीज़ों को हमने जो एक पृथ्वी ने जो कुछ लिमिट्स हमें दिए हैं, उस लिमिट्स के बाहर हम लोग चले गए हैं ऑलरेडी, और उसका जो परिणाम बाकी स्पीशीज पे भी पड़ रहा है और हम पे भी पड़ रहा है. खासकर अगर आप क्लाइमेट की देख रहे हैं तो फ्लड्स, ड्राउट्स वगैरह, फायर्स, वाइल्ड फायर्स वगैरह, वो सब जगह पे बहुत पूरी तरह से हमें प्रभावित कर रहे हैं. एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी करीब 10 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने ही, जो विश्व बैंक जिसने इस पूरी विकास की अवधारणा को पूरी दुनिया भर में लाया है, उसी बैंक में कभी कभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडीज निकल आते हैं. तो ये एक स्टडी निकला था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 तरह के जो पर्यावरण के विनाश के मतलब बिंदु हैं, जो 5 आप देख रहे हैं स्लाइड पे, उसकी वजह से भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 5.7% पॉइंट्स कम हो रहा है. अगर मान लीजिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ 6%, 7%, 8% पिछले 3-4 दशकों में लगभग एवरेज 5-6% रहा है, तो उतना ही ग्रोथ कम हो रहा है पर्यावरण के विनाश की वजह से. ये खाली अगर हम इकोनॉमिक तरीके से भी देखें तो भी एक तरह से इसको हम अनसस्टेनेबल कहेंगे. दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इसी विकास की अवधारणा और जो मॉडल है उससे असमानता बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है. आज का ये शायद पिछले साल का आंकड़ा है कि भारत के सबसे अमीर 1% जो हैं, उनके पास भारत की 70% से ज़्यादा वेल्थ है. वेल्थ का मतलब ना केवल पैसा लेकिन ज़मीन वगैरह सब कुछ मिला के. और उसी वजह से जैसे कि दुनिया भर का सबसे बड़ा एक परिवार का घर जो है वो बम्बई में है, जिस शहर में 40-50% लोगों के पास ठीक से घर रहने के लिए आवास नहीं है और ठीक से रहने के लिए स्थल नहीं है. और यही एक विकास की अवधारणा
की वजह से एक तरह से लोकतंत्र पे भी बहुत भारी वार हो रहा है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि अगर हम में से कोई भी कोई आवाज़ उठाता है या स्थानीय समुदाय जो है हम कहते हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम अपना जंगल नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ जो है सरकार कुछ न कुछ कार्यवाही करती है। कई बार लोग मरते भी हैं, पिटते भी हैं, जेल जाते हैं। और शायद कल की ही खबर थी कि अब तो सरकार कह रही है कि हम तो लोकल कम्युनिटी से पूछेंगे भी नहीं, अगर जंगल को हमें किसी उद्योग को देना है, किसी और को देना है, तो लोकल कम्युनिटी को पहले तो पूछने का एक कानूनी वो था, अब कोशिश कर रहे हैं कि वो हम पूछे बिना ही जंगल किसी उद्योगपति को या किसी को हम दे दें। और फिर उससे अगर जैसे कि ये पांच हमारे जो युवा साथी जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं 2021 में जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी फार्मर्स मूवमेंट के साथ में और क्लाइमेट जस्टिस की, तो उन सब के खिलाफ सेडेशन या अलग अलग तरह के जो चार्जेस लगाए गए थे, कुछ लोगों को जेल में भी रहना पड़ा कुछ समय। और कोविड के समय में शायद अचरज की बात ये है या अचरज ना भी हो कि एक तरफ जो है सरकारें और उद्योगपति जो हैं उन्होंने इस दो साल का जो एक अजीब दौर जो हम जिस दौर से हम निकले हैं उस दौर में कई सरकारों ने इंक्लूडिंग इंडियन सरकार ने अपना जोर और जागे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की, सिटीजन पे सर्वेलेंस ज़्यादा बढ़ा दिया और जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट मेकिंग मार्जिन्स भी और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। वो आपको स्लाइड पे सबसे ऊपर जो फिगर दिख रहा है वो भी अब पुराना हो गया, शायद उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स जो कुछ बिलियनर्स ने, कुछ उद्योगपतियों ने कमाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों ने एक दूसरे को सहायता करने की भी बहुत बढ़िया जो काफ़ी बड़ा बहुत अच्छा काम किया, युवा लोगों ने बुजुर्ग लोगों को किस तरह से सहायता की, जिनके पास खाना नहीं था जिनके पास खाना था उन्होंने और ज़्यादा किस प्रकार से खाना पहुंचाया, तो एक सॉलिडारिटी, एक दूसरे को सहायता करने की जो एक क्षमता है मनुष्य में वो भी हमें कई जगह पर बहुत अच्छी दिखी और इसके कुछ उदाहरण मैं बाद में आपको दूंगा। तो इस दूसरे वाला जो एक मनुष्य का चरित्र है उस पर मैं और ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा बाकी सारे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमें यही उठता है कि अगर अभी की विकास की अवधारणा और अभी का जिस प्रकार का शासन वगैरह है अगर उससे इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, विनाश हो रहा है, असमानता बढ़ रही है वगैरह, तो क्या विकल्प हैं हमारे पास या नहीं है, क्या इसी रास्ते जाना बहुत जरूरी है या कोई दूसरे रास्ते हमारे पास हैं। और इसमें हम लोगों को लगता है कि भारत और बाकी विश्व में देख के कि हैं दूसरे रास्ते हैं, विकल्प हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक तो ये है कि लोग जो इस प्रकार की प्रणाली, इस प्रकार का शासन, इस प्रकार की विकास की अवधारणा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, ये चित्र करीब 30 साल पहले का है। इंद्रावती नदी पे महाराष्ट्र के गढ़चिरोली ज़िले में जो करीब 300 गांव आदिवासी गांवों ने दो बहुत बड़े बांध जो बनने वाले थे उसके खिलाफ आंदोलन किया था, उन बांधों को रोका था। तो उस वक़्त इन्होंने ये कहा था कि इन बांधों से ना केवल हमारे जंगल और ज़मीन डूबेगी, हमारी आजीविका जाएगी, लेकिन ये नदी जो है वो हमारी माँ है और हम अपनी माँ पे इस प्रकार का वार कभी भी नहीं करने देंगे, हम उसको रोकने की ये जो दीवार आप खड़ी कर रहे हैं, हम इस नदी को, इस नदी का हक बनता है बहने का, हम इसको नहीं हम इसको रोकेंगे। तो इस प्रकार की जब एक आवाज़ उठती है तो वह ना केवल एक आर्थिक या सामाजिक पर बहुत मतलब स्पिरिचुअल, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आवाज़ उठती है और जिससे पता चलता है कि इस तरह के लोगों की का रिश्ता प्रकृति के साथ और हम जो आधुनिकीकरण में पहुंच चुके हैं या सरकारी पॉलिसीज जो आधुनिकीकरण की हैं उसका रिश्ता बहुत ही अलग है, मतलब दो बिल्कुल अलग तरीके से देखने प्रकृति को देखने का और एक दूसरे को देखने की बात है। तो ये जो आवाज़ निकलती है उससे भी हमें वैकल्पिक अवधारणाएं, वैकल्पिक सोच जो है निकल के आती है। तो इस प्रकार से इसको भी मैं कहूँगा कि ये भी एक विकल्प है। इस प्रकार के आंदोलन, संघर्ष बहुत दुनिया भर में अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। फार्मर्स का आंदोलन तो हम लोगों ने सब देखा ही पिछले एक साल का, डेढ़ साल का। युवा क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट जो दुनिया भर में चल रहा है, एंटी रेसिज्म मूवमेंट्स जो चल रहे हैं अमेरिका वगैरह में, बर्मा में जहाँ पे मिलिट्री जनता ने अपना पूरे राज्य को कैप्चर किया हुआ है उसके खिलाफ एक
नॉन वायलेंट मूवमेंट जो चल रहा है, अहिंसात्मक मूवमेंट चल रहा है चिले, और अभी अब कोलंबिया में भी जो नई युवा सरकारें आई हैं और वो कह रही हैं कि हम बहुत अलग तरीके से शासन करना चाहेंगे, इस प्रकार के मतलब कई जिसे चर्निंग बोलते हैं एक तरह से हो रहा है पूरे दुनिया भर में, जिससे हमें इस प्रकार की आवाजें उठती हैं। और ये आवाजें बहुत जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि बाकी जो जो प्रणाली है, जिस प्रणाली ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उसी प्रणाली से हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जिसे वो लोग सॉल्यूशंस बोल रहे हैं, जैसे कि कार्बन ट्रेडिंग का है, नेट जीरो, आजकल मतलब मोदी जी ने भी कहा कि 2070 तक इंडिया भी नेट जीरो हो जाएगा, चाइना ने कहा 2060 तक, बाकी यूरोप वगैरह ने कहा 2050 तक, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 में आए। इन सब में अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली जो है वो सिस्टम अपने आप को कैसे सस्टेन करे, आज का शासन अपने आप को कैसे सस्टेन करे, कंपनीज के प्रॉफिट्स अपने आप को कैसे सस्टेन करें, वो ज्यादा झलक दिखती है, बजाय ये कि एक मूलभूत जो परिवर्तन आना चाहिए वो हमें उसमें नहीं दिखता है। और मूलभूत परिवर्तन के लिए हमें रेजिस्टेंस मूवमेंट, संघर्ष के मूवमेंट्स को भी देखना होगा, और इसके साथ में जो दूसरे तरह के विकल्प हैं, जो एक कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव, जो कह रहे हैं कि हमें अगर पानी चाहिए तो हम बड़े बांध बना के नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं हमें अगर खाद्य उत्पादन बढ़ाना है तो हम केमिकल डाल के नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे, हमें एनर्जी चाहिए तो हम पेट्रोल वगैरह से नहीं करेंगे, हम दूसरी तरीके से करेंगे, और हमें अगर शासन चाहिए तो हम केंद्र सरकार की बात नहीं मानते हुए हम अपने गांव में कैसे शासन कर सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। इस प्रकार के मूवमेंट्स दुनिया भर में मतलब हजारों के तादाद में हैं। आज मैं केवल छोटे से चंद कुछ उदाहरण आपको दूंगा ताकि एक झलक मिले, और बाकी किताबें मटेरियल्स वगैरह बहुत सारी हैं, शायद आपको ऑलरेडी आशिक ने कुछ चीज़ें इसके बारे में भेजी हैं। हाँ, उसके पहले सॉरी, अगर आपको किसी को लगता है कि ये मैप उल्टा है तो अगर हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं मैं बोलता कि आप शीर्षासन कर दीजिए तो आपको फिर सीधा दिख जाएगा, लेकिन वो तो अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये शुरू हो जाता है कि जो हम नॉर्मल मैप कहते हैं, जिसमें कि इंडिया नीचे है, अफ्रीका नीचे है, यूरोप ऊपर है, अमेरिका ऊपर है, जरूरी नहीं है कि मैप ऐसा ही हो, क्योंकि दुनिया अगर गोल है तो आउटर स्पेस से हम किस प्रकार से कौन से एंगल से देख रहे हैं उसके हिसाब से फिर अफ्रीका ऊपर होगा या नीचे होगा। तो वो जो सो कॉल्ड नॉर्मल मैप्स हैं वो कॉलोनियल टाइम पे बने हैं, कॉलोनियलिज्म के टाइम पे बने हैं, जिसमें यूरोप को ऊपर दिखाया गया और यूरोप को बहुत बड़ा दिखाया गया। यहाँ पे अगर एक्चुअली एक्चुअल साइजेस आपको जो है वो दिखते हैं, तो एक डीकॉलोनाइजेशन जिसकी बात करते हैं हम, कि हमें जो पिछले 300-400 साल में जो सिखाया गया है उसको छोड़ के हम उसको अनलर्न करके हम किस प्रकार से देखें पृथ्वी को और अपने आप को अलग तरीके से, इस प्रकार से मैप से ये चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग निकलती है। I have a question. हाँ, please. आपने कहा कि प्रेजेंटली जो सिस्टम्स हैं वो खुद को सस्टेन करना चाहते हैं एंड ना कि यू नो ब्रिंगिंग अबाउट सम चेंज. आई कम्प्लीटली अग्री with this and I my personal thought process is also the same, but a lot of times I'm posed with these questions through my friends or sometimes with myself aajkal, that why do we, you know, like if they are if the current establishments are thinking of making themselves sustainable, then why do we so like urgently want change? Like I am also one who wants change, but this is a question that I am also dealing with because I am posed with this a lot. Sure. So I think, sorry, I'm not seeing your name. Zehra, no? Yeah, Zehra. जी हाँ, Zehra. तो इसमें मैं हिंदी में जवाब दूँ? हाँ जी, English, Hindi, whatever you're comfortable. Okay. Please keep telling me. अगर English या sorry कोई भी भाषा में बोल रहा हूँ तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो please tell me. I'll translate to English the your answer for like in the chat I'll be doing it, so that's okay. Okay thanks. हाँ, तो ज़रा इसमें ऐसा है कि जो system solutions दिखा रहा है उसमें actually जो problems है उसको सुलझाने की कोई बात नहीं, actual solutions उसमें नहीं है। जैसे कि net zero की बात करते हैं कि 2050 तक जितना भी कार्बन हम छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में उतना कहीं ना कहीं हम या तो जंगल बढ़ा के या कुछ मशीनरी लगा के जो है उसको हम कैप्चर कर लेंगे, तो एटमॉस्फेयर में जीरो कार्बन, नेट जीरो होगा।
लेकिन एक तो यह कि 2050 तक कितना नुकसान हो जाएगा ये कोई पूछ नहीं रहा है। दूसरा ये कि जो जैसे कि मान लीजिए कोई कोयले वाला पावर स्टेशन है, वो केवल कार्बन नहीं छोड़ता है, बहुत सारी और भी चीजें छोड़ता है, तो उसके बारे में तो अब लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा और भी चीजें होंगी। तीसरा है कि जो मशीनरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अभी तक इन्वेंट ही नहीं हुई है, इस प्रकार की मशीनरी में दो चार हैं लेकिन वो बहुत इनएडिक्वेट हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं तब तक हम इन्वेंट कर लेंगे हम उस मशीनरी को, और तो वो पूरा कैप्चर हो जाएगा। चौथा वो कह रहे हैं कि जंगल बढ़ाने का, लेकिन जंगल कहाँ बढ़ाएंगे, किसकी जमीन पे बढ़ाएंगे? अब उसमें भी ये है कि वो किसानों की जंगल जमीन लेंगे या फिर आदिवासियों की जमीन लेंगे या किसी और की, जिसकी वो जमीन जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको जबरदस्ती कैप्चर करके उस पर पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाने का भी जो है उसमें भी फिर अपना प्रॉफिट मेकिंग की बात है। तो एक्चुअल सॉल्यूशंस उसमें नहीं दिखते हैं। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहते हैं कि एक तरह से काफी अच्छे भी हैं, उसमें कई गोल्स जो है बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदरूनी जो विरोधाभास है उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बहुत गहरे हैं, क्योंकि 17 गोल्स में से एक गोल इकोनॉमिक ग्रोथ का भी है। अब एक तरफ हम इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहेंगे जिसमें कि एनर्जी कंजम्पशन और मटेरियल्स कंजम्पशन बढ़ते रहेगा, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं प्लैनेट की इकोलॉजिकल लिमिट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो ये तो दोनों चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती हैं। इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात बहुत कम है कि भाई इतना वेल्थ ऑलरेडी है, इतना एनर्जी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, इतना खाना ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं कि जिसके जो अमीर लोग जो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनसे लेके गरीब को दें, बजाय ये कि नहीं और प्रोड्यूस करते रहे और प्रोड्यूस करते, एनर्जी का भी यही मुद्दा है। तो ये जो जो फंडामेंटल सॉल्यूशंस होने चाहिए जिसके बारे में अभी मैं जिक्र करूंगा, वो सिस्टम नहीं बता रही है। ये तो खाली थोड़ा सा प्रॉब्लम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो है अपना पावर और अपना प्रॉफिट्स बनाए रखने। So we can also say it is also sustained by you know very undemocratic passage of information and knowledge. Of course. See, people, most people don't know the implications of what these people are talking about. I can send you an article I wrote on what does net zero actually mean. Right. Now, unless people know that, unfortunately, क्या हुआ कि आज की दुनिया में लोगों को क्या क्या कहूँ मैं, मतलब ब्रेन वॉशिंग का बहुत आसान हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। राइट, यू नो दे नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन इस तरफ है तो वो सारी न्यूज आपको इस तरफ की देंगे। ट्रू, इट हैपेंस टू अस आल्सो। अगर हम मान लीजिए गांधीयन है, लेफ्टिस्ट है, फेमिनिस्ट है, और कुछ हमने पोस्ट डाल दिया है इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, तो काफी कुछ जो हमें आता है वो उसी तरफ का आएगा, which keeps reinforcing, और हमको अच्छा लगता है देखो हाँ इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, इतने लोग ये कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ की खबर नहीं आती है, दूसरे तरफ के लोगों को हमारी खबर नहीं जाती है। सो इट्स ऑल कंट्रोल्ड एंड इट्स मच मोर इजीली कंट्रोल्ड इन द सोशल मीडिया वर्ल्ड देन इट यूज्ड टू बी अर्लियर। तो इसलिए ये ब्रेन वॉशिंग का जो एक पूरा है ना, इट ऑल्सो हैपन्स विद एनवायरमेंट, इट ऑल्सो हैपन्स विद क्लाइमेट, इट ऑल्सो हैपन्स विद जेंडर इश्यूज वगैरह। So we, that's why we need, and I'll give some examples, we need our own independent media and our own independent outreach. Ki, aur jisme hum dono taraf ki baat keh sakte hain, logon ko pata honi chahiye pura, the full information hona chahiye. Ab aaj jo hai, jaise ki Ladakh ki baat karta hu, main Ladakh mein main kai baar jata hu, wahan pe hum wahan ki sansthaon ke saath kaam karte hain. Yeah, wahan pe ped lagana chahte hain. हाँ, बहुत बड़े मात्रा पे पेड़ लगाना चाह रहे हैं, बहुत बड़े रोड्स आ रहे हैं कि रोड्स की वजह से जो है टूरिज्म बढ़ेगा, तो आप सबको आमदनी मिलेगी, लाइवलीहुड्स मिलेगा, एंड वी नो द रियलिटी ना, मास टूरिज्म का एक्चुअल प्रॉफिट्स तो टूरिज्म कंपनीज को मिलता है, और लोगों लोकल लोगों को लोकल पर्यावरण का तो विनाश ही होता है, कुछ लोगों को मिल जाता है लेकिन बहुत कम। तो ये जो अनलेस द लद्दाखी पॉपुलेशन इज फुली इन्फॉर्म्ड कि इसका मीनिंग क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, दे ऑल्सो कैनॉट टेक मीनिंग। देयर ऑल्सो हाँ वंडरफुल, ट्रेन भी ले आओ, एयरपोर्ट 2 मिलियन लोगों के लिए एयरपोर्ट बन रहा है में, तो वो एक मुद्दा है जो जिससे हमें I think they are also planning large scale afforestation in Ladakh, but it's supposed to be a desert. It's going to like it's an arid area. They shouldn't be planting these massive amounts of trees. So, लेकिन unfortunately उसमें वो religious figures have also got involved. वो अपना claim कर रहे हैं कि world largest single day planting वो कुछ साल पहले हुआ था, जिसमें पता नहीं कितने लाख पेड़ लगाए थे एक दिन में। Sounds very good, but sorry, just a minute.
हेलो, या हाय, सो सॉरी, दिस इज अनयूजुअल मॉर्निंग. ठीक है, चालू रखें. श्योर श्योर या ओके, सॉरी, वी अभी इन द मिडल ऑफ सम डिस्कशन, और शुड आई कैरी ऑन विद द प्रेजेंटेशन? चालू रखो. कोई या आई थिंक वी कैन मूव और ऑन किसी का सवाल? टू द नेक्स्ट स्पॉट. सॉरी आशिक, व्हाट? I think we can move ahead. अच्छा, ठीक है. Q&A. ओके, सो लेट मी गेट इनटू सम एग्जांपल्स. कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो लोग जो एक कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि संघर्ष भी है और निर्माण, जिसे बोलते हैं संघर्ष और निर्माण, वो दोनों हैं. तो ये भी वापस गढ़चिरौली जाएंगे हम लोग. गढ़चिरौली में जो आदिवासी इलाका है, गोंड आदिवासी इलाका है, वहाँ पे 90 गाँवों ने पिछले कई सालों से जो संघर्ष किया है अगेंस्ट अ माइनिंग प्रोजेक्ट. लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम उस तरफ बढ़ेंगे जिसमें कि हमारे गांव में हमारी ही सरकार है. हम निर्णय करेंगे कि हमारे पूरे गांव का जितना भी क्षेत्र है, जिसमें जंगल है, जमीन है, पानी है, जो है उसका निर्णय, कि उसका क्या हो, उसका निर्णय जो है वो हम ग्राम सभा में लेंगे. और 90 गाँव ने एक साथ मिला के एक महाग्राम सभा बनाई है, ताकि वो पूरा एरिया जो है एक तरह से एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से उनका उसका वो स्वशासन कर पाए इसमें. लेकिन फिर उनके खुद के सवाल बहुत सारे हैं. जैसे महिलाओं ने कई सालों से सवाल उठाई है कि हमारी आवाज़ डिसीशन मेकिंग में क्यों नहीं है. आदिवासी है, वहाँ पे महिला पुरुष का की समानता ज़्यादा होती है, असमानता कम होती है बजाय बाकी नॉन आदिवासी एरियाज के उसमें. लेकिन फिर भी जो डिसीशन मेकिंग है वो ज़्यादातर मर्द लोग करते हैं, वो भी ओल्डर मैन. तो ये एक आवाज़ कई सालों से उठ रही है. तो उसमें एक विमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की भी पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि वो भी ग्राम सभा, महा ग्राम सभा में अपनी आवाज़ उठा पाए. युवा को किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि ना केवल जो सरकार से बाहर से आई हुई शिक्षा प्रणाली, लेकिन उनकी खुद की आदिवासी टेक्निक्स शिक्षा की जो है, खुद का जो संस्कृति है, खुद के पर्यावरण के बारे में है, वो भी उसमें शामिल हो जाए. तो इस प्रकार की कई चीज़ें, कई मतलब एक फंडामेंटल तरीके से जो है वो लोग बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके और शासन के बीच के रिलेशनशिप का, और उनके अंदर के जो सामाजिक रिश्ते वगैरह हैं उसमें भी. ये एक, फिर थोड़ा सा अगर हम दक्षिण में जाएंगे, ये सुधारण को शायद आप में से कई लोग जानते भी होंगे. ये 5,000 दलित महिला हैं, किसान हैं, जो पिछले करीब 20-25 साल से इस संगठन के द्वारा जो है अपनी कृषि की जो स्थिति है, एकदम से मतलब एक रेवोल्यूशन उसमें लाए हैं, वो क्रांति लाई है. क्योंकि पहले दलित परिवार होने के नाते खाना पर्याप्त नहीं होता था, हेल्थ स्कूल, हेल्थ एजुकेशन वगैरह का जो है बहुत बुरी स्थिति होती थी, कास्टिज्म तो था ही, ऊपर से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी था महिलाओं के नाते. उस सब के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो कृषि के द्वारा, कि हम कृषि में अपने बीज वापस लाएंगे, अपनी ज्ञान उसमें हम डालेंगे, जितना भी पानी बरसता है, और ये बहुत सूखा इलाका है और इरिगेशन नहीं है, जितना भी पानी बरसता है उसमें हम अपने खाद्य की पूर्ण सुरक्षा अपनी तरफ से करेंगे. ना केवल सुरक्षा, लेकिन खाद्य स्वराज, अन्न स्वराज, मतलब भोजन और भूमि और बीज और पानी और ज्ञान, इस पे हमारा पूरा कंट्रोल. तो ये एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़ के फूड सोवरेनिटी, अन्न की सुरक्षा से आगे बढ़ के अन्न स्वराज. थोड़ा आगे जाके मैं और बताऊंगा कि ये जो एक मूवमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जिन परिवारों में 20 साल पहले खुद भुखमरी थी, वही परिवार कोविड के दौरान उन्होंने खाना, डिस्ट्रिक्ट का जो फूड रिलीफ कलेक्शन था उसमें उन्होंने अपना खाना दिया, क्योंकि उनके पास पर्याप्त खाना था और बाकी जो बचा था वो भी उन्होंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया. इसी प्रकार का उदाहरण अगर दुनिया की बिल्कुल दूसरी तरफ हम देखते हैं, पेरू में, लैटिन अमेरिका में जो एंडीज के जो पहाड़ हैं उस पे ये जो आदिवासी समुदाय है, केचुआ आदिवासी समुदाय, उन्होंने उस पूरे, इंसिडेंटली आलू का ओरिजिन यहाँ पे हुआ था. हम सब आलू खाते हैं, लेकिन आलू इंडियन नहीं है, वो यहाँ से निकल आके आया, कई सैकड़ों साल पहले यहाँ आया. तो ये खुद जो है बहुत, जैसे कि वो दलित महिलाएं करीब 70-80 प्रकार के ज्वार, बाजरा वगैरह उगाती हैं, यहाँ पे 1300 वेराइटीज ऑफ पोटेटो ये लोग उगाते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें. और इन्होंने भी इस सब को करते हुए अपनी, अपना फूड सोवरेनिटी, अन्न स्वराज जो है क्लेम किया है. इन्होंने भी अपना खाना जो है कोविड के समय में जो
पास का कुस्को टाउन है जहाँ पे अनाथालय था और कुछ ऐसे कई लोग थे परिवार जिनके पास खाना नहीं था, उनको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। फिर अगर हम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल ईस्टर्न एशिया में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वुमेन्स मूवमेंट है। मैं यहाँ पे नहीं गया हूँ, बाकी जगह पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ ज़्यादातर जगह पे मैं जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं जा पाया हूँ। लेकिन इसके बारे में और इनके लीडर से कई बार मुलाकात हुई है, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक एरिया है जो एक तो पेट्रियार्की पितृवाद बहुत पुराना है, जैसे भारत में है यहाँ पे भी है, और दूसरा कि ये पूरा एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, क्योंकि टर्की ईरान ईरान सीरिया जो है ये मतलब लड़ाई होती रहती है यहाँ पे हमेशा। इसके बीच में इन्होंने जो कर्डिश एक जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी बड़ा एक पीस का रीजन उन्होंने कोशिश करने की खड़े करने की कोशिश की है, जिसमें कि उनकी जो मेन फिलॉसफी है जैसे जीनियोलॉजी बोलते हैं, इसका मतलब है इको फेमिनिज्म, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो महिलाओं का संघर्ष, उसके साथ में पृथ्वी को बचाने का संघर्ष, और रेडिकल डेमोक्रेसी, मतलब हर गांव या हर कस्बे में अपना निर्णय प्रक्रिया, जैसे कि गढ़चिरौली का उदाहरण दिया वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, और इनको भी फिर साथ लेके एक बहुत बड़े स्तर पे किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग होती है, उनका एजुकेशन सिस्टम भी बिल्कुल अलग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। वापस अगर हम भारत में आते हैं तो कुछ नई प्रणाली में, क्योंकि केवल ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स ही सस्टेन करना शायद काफ़ी नहीं होगा, आज के माहौल में कुछ नई चीज़ें भी चाहिए, तो इको टूरिज्म एक ऐसा आया है जो असल का इको टूरिज्म, नॉट जो कंपनियां बोलती हैं सरकार बोलती है वैसा नहीं, लेकिन जो कम्युनिटी अपनी तरफ से जो बढ़ा रही है, अपनी तरफ से कंट्रोल कर रही है। तो ये कुछ 3-4 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। माटी एक महिला की संगठन है उत्तराखंड में मुंसियारी में, SLC स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन एक लद्दाख में ऑर्गेनाइजेशन है, देवलसरी में उत्तराखंड देवल ये देहरादून के पास में एक युवा द्वारा चलाई गई एक संस्था है। इन सब ने होम स्टेज या लोकल कम्युनिटी रन इको टूरिज्म करके दिखाया है, जिसमें कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है, वहाँ का खाना वहाँ का नेचर वगैरह, और लोकल लोगों को उसका फ़ायदा उसकी आमदनी मिलती है, ना कि कंपनीज को। अगर हम यूरोप में जाते हैं तो इसी प्रकार के अल्टरनेटिव इकोनॉमी वाले बहुत बढ़िया एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बिल्कुल बॉटम राइट हैंड साइड पे जो आप दिख रहे हैं वियो में, ये एक फैक्ट्री है जो पूरा का पूरा वर्कर्स चलाती और डेमोक्रेटिक तरीके से। उनका एक बहुत बड़ा स्लोगन है दीवार पे कि वी हैव नो बॉस, कोई ऐसा ऊपर बैठा हुआ नहीं जो कंट्रोल कर रहा है, कोई कैपिटलिस्ट या कोई बॉस, सब वर्कर्स एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि एक घंटा आपने कुछ भी काम किया फैक्ट्री में, आपको वही सैलरी मिलेगी जो किसी और वर्कर ने एक घंटा कुछ और काम किया, मतलब ऑल वर्क इज इक्वेटेड इक्वल, ऐसा उनका एक प्रिंसिपल है। फिर ये जो टॉप राइट हैंड साइड पे एक स्कूल है एथेंस ग्रीस में, जो बहुत मतलब वहाँ पे टीचिंग बहुत हाई क्वालिटी की है लेकिन फीस बहुत लो है। वो कैसे? क्योंकि वहाँ की जो पूरी कम्युनिटी है, स्कूल के आसपास की कम्युनिटी जहाँ से बच्चे आते हैं वगैरह, उस कम्युनिटी के पेरेंट्स ने एडल्ट्स ने अपना फ्री टाइम ऑफर किया है कि ठीक है, एक हफ्ते में 4 घंटे में आपकी अकाउंटिंग के लिए मदद कर दूंगा, एक हफ्ते में 5 घंटे के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ सकती हूँ। तो ऐसा करके जो है पैसे की कमी, पैसे की ज़रूरत कम पड़ गई, और पैसे की ज़रूरत कम पड़ने से फीस भी लो रख सकते हैं वो लोग। तो इसको टाइम बैंकिंग बोलते हैं, मतलब एक दूसरे का समय बिना पैसा खर्च किए हुए एक दूसरे को समय देना, जो हमारे ट्रेडिशनली तो खैर होता ही था ना, अभी भी गांव में तो होता ही है कई जगह पे, लेकिन वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में किस प्रकार से वापस लाना है उसका एक उदाहरण है। सिमिलरली बॉटम लेफ्ट हैंड साइड को, ये भी यूरोप में लग्जमबर्ग बहुत अमीर देश है, बहुत कैपिटलिस्ट है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे 5 कम्युनिटीज ने अपना लोकल करेंसी शुरू किया है कि हम यूरो को किस तरह से उससे इंडिपेंडेंट, थोड़ी कुछ हद तक तो कम से कम इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि यूरोप पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, रुपी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, डॉलर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम अपनी लोकल एक पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, वहाँ पे बेकी बोलते हैं, ताकि कम से कम जो लोकल इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हैं वो अपने कंट्रोल में हम रखें। वापस भारत अगर आते हैं तो शहर की एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उदाहरण मैंने गाँव के दिए हैं। तो शहर ये भुज, जो कच्छ में भुज शहर है, वहाँ पे पिछले 20 साल में जनसंख्या बहुत एक्सप्लोड हो गई है, और उस वजह से जो शहर के सारी जो दिक्कतें हमको किसी भी शहर में दिखती हैं, स्लम्स हैं, हाउसिंग सिचुएशन बहुत ख़राब है, पानी नहीं मिल पाता है लोगों को, बिजली नहीं मिलती है वगैरह वगैरह,
यहाँ पे पिछले 4-5 साल से ये कार्यक्रम है जो 5 वहाँ की संगठनों ने उठाया है, होम्स इन द सिटी, और कॉलोनी के लोग भी उसमें पूरी तरह से शामिल हैं कि कॉलोनी को हम पूरा से रीप्लान कैसे करें। तो स्लम जो आपको टॉप राइट हैंड साइड पे जो दिख रहा है पिक्चर, वो पहले एक बहुत मतलब बुरी हालत में स्लम था। अब वहाँ पे यहाँ पे लोकल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने ही किया है खुद की तरफ से, और वेस्ट का मैनेजमेंट, एनर्जी, ये सब जो है खुद को करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जैसे कि गांव का मैंने उदाहरण दिया गढ़चिरौली का कि हमारे गांव में हम ही सरकार, इनका भी कहना है कि सिटी की प्लानिंग ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस क्यों करें, आखिर में हमारे लिए, अगर हमारे लिए तो हम ही कोई करना चाहिए। तो हम अपना जो निर्णय प्रक्रिया यहाँ पे हर कॉलोनी में चलाएंगे और इसमें सरकार को हम अकाउंटेबल बनाएंगे कि जो हमें चाहिए वो आप हमें दीजिए, और मतलब चर्चा करते हुए, और इसमें भी महिलाएं और युवतियों का बहुत सशक्तिकरण करके उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अर्बन मिडिल क्लास भी कभी कभी जो है वो समझ जाता है कि भाई हम इतने प्रिविलेज्ड हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए कुछ कुछ। तो ये कुछ उदाहरण बैंगलोर के हैं या गोवा का है, जिसमें कि बेंगलोर में कुछ कॉलोनीज जैसे ये रेनबो ड्राइव है, जिन्होंने 300 घर हैं, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम क्यों सारा पानी बाहर से लाते हैं, अपनी तरफ से बेंगलोर में इतनी वर्षा होती है, अपना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, अपना मैनेजमेंट करते हैं, इतना हम वेस्ट बाहर क्यों डालते हैं, हम खुद का रिसाइकलिंग करें, कुछ वेस्ट प्रोडक्शन भी कम करें। तो ये सब चर्चा पिछले 10-12 साल में चल रही है और अब जाके काफ़ी वहाँ पे इंटरेस्टिंग इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। नीचे आपको लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर दिख रहा है वो एक पहले लेक होता था जो पूरा खराब हो गया था, उस पर वेस्ट डंप होता था और सब लैंड माफिया जो है उसको देख रही थी कि हम इस पर अपने बिल्डिंग्स बनाएं, पर आसपास के सारे लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, उसको हम दोबारा से वापस लेक बनाएंगे, और काफ़ी मतलब संघर्ष हुआ, फिर अभी जाके जो है वो बहुत बढ़िया लेक बन गया जिसमें वाइल्ड लाइफ भी आ गया है, और उसकी वजह से पानी का स्तर भी जो है वापस थोड़ा सा ऊपर आ गया, जो बैंगलोर में बहुत बुरी हालत है पानी के स्तर की। और फिर ये राइट हैंड साइड पे जो आपको दिख रहा है वो गोवा में, अब तो खैर बहुत शहरों में है, पुणे में भी 3-4 इस तरह के स्टोर्स हैं जैसे जीरो वेस्ट बोलते हैं। अब इसमें ये है कि जब मैं पहले इसमें गया तो मैंने मुझे याद आया कि 30-40 साल पहले जब मैं छोटा था तो सारे स्टॉप शॉप्स लगभग जीरो वेस्ट होते थे बिना उसका नाम दिए हुए, क्योंकि प्लास्टिक तो था ही नहीं, थर्मोकॉल वगैरह था ही नहीं उस वक्त, तो हमें अपना बर्तन ले जाना पड़ता था दाल चावल वगैरह वापस लाने के लिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉथ का बैग या पेपर का बैग होता था। तो यही कॉन्सेप्ट अब इन शॉप्स में वापस आया है, फ़र्क ये है कि ये अभी थोड़ा मॉडर्न स्थिति में आया है, तो ये ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो अमीर लोगों के लिए, तो इसमें भी और बदलाव लाना होगा कि इसी तरह का ज़ीरो वेस्ट जो है गरीब लोगों को भी कैसे मिल पाए ताकि हम वेस्ट कम करें। एक और शहर की बात करते हैं तो ये एक 3-4 साल पहले मैं गया था डेनमार्क में, कोपेनहेगन जो सिटी है कैपिटल उसका, उसमें एक ये एक्सपेरिमेंट है, हमारे भारत में ऑरोविल जैसे है वैसे ही वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे मतलब काफ़ी उन्होंने आगे बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो अगली लाइन में जो भी डिजर्विंग है उस फैमिली को मिलेगा। जो अगर मान लीजिए वॉशिंग मशीन्स हैं या गाड़ी वगैरह है तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ एक को ही शेयर करती हैं, सबके पास अपना प्राइवेट वगैरह नहीं होगा। जो भी अंदर बिजनेसेस रन करती हैं जैसे रेस्टोरेंट है वगैरह, वो कोऑपरेटिव से रन होती हैं। तो ये एक मतलब एनआरकी जो एक शब्द जो एक गलत तरीके से हम समझते हैं कि एनआरकी का मतलब है कि कोई मतलब टोटल केओस है, मतलब सब जिसको जो करना है वो करना है, ऐसा नहीं है। एनआरकी एक्चुअली का मतलब है कि हम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, हमें कोई सरकार की जरूरत नहीं जो हमें कहे कि ये करना है नहीं करना, मतलब स्टेटलेस ऑर्गेनाइजेशन जैसा, तो उस प्रकार का ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। इनफैक्ट यूरोप में एक मूवमेंट चला है फेमिनिस्ट म्यूनिसिपलिज्म, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी जो बन रही हैं वो फेमिनिस्ट तरीके से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे रन करें, जिसमें कि हमेशा सुनते रहें कि स्थानीय मतलब जो नेबरहुड्स हैं, अर्बन नेबरहुड्स हैं, वहाँ पे क्या बात चल रही है, वहाँ से क्या बात उठ के आ रही है, तो पूरे सिटी की प्लानिंग जो है उसके आधार पे हो। जैसे कि भुज का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन भुज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अभी भी थोड़ा सा अलग समझता है अपने आप को, यहाँ पे कोशिश ये रही है कि कॉरपोरेशन भी जो है वो लोगों की बात सुने और एनवायरमेंट को बहुत केंद्र में रखे। मैंने आपको कोविड के कुछ एग्जाम्पल 2-3 दिए, जिसमें कि जैसे कि DDS का था या पेरू का था,
पिछले करीब 2 साल में लगभग 70 इस प्रकार की कहानियां हम लोगों ने कलेक्ट की हैं, जिसमें कि आशिक राहुल वगैरह ने भी बहुत मदद की है, कि कहाँ पे समुदाय जो है अपने आप को इस 2 साल के दौरान किस प्रकार से अपना खाना, अपनी आजीविका, अपना स्वास्थ्य इसको बनाए रखने में सक्षम हुआ और क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जगह पे तो ये कोलैप्स हो गया था, लोगों को आजीविका ख़त्म हो गई थी, खाना कम पड़ रहा था वगैरह, स्वास्थ्य पे बुरा असर हो रहा था, लेकिन ऐसी कई कम्युनिटीज़ है जहाँ पे, बहुत सिटीज़ में भी और विलेजेस में, जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस 2 साल को बिताया। तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये कुछ केस स्टडीज़ हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। बाद में चैट में, पता नहीं आशिक अगर आपने ऑलरेडी लिंक भेजा, नहीं तो मैं चैट में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं, कई भाषाओं में अवेलेबल है, ज़्यादातर हिंदी में भी है। Haven't shared before, but we'll share like all the... Okay. Thanks. So, English, हिंदी और कुछ बाकी भाषाओं में भी है ये। इसी प्रकार के कंपाइलेशन अब हम दुनिया भर की स्टोरीज कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम्स निकल गए हैं, अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पेरू का मैंने एग्जाम्पल दिया या अपना कर्डिश मूवमेंट का दिया, कि इन दीज 2 ईयर्स जो क्राइसिस था कोविड का, कोविड से ज्यादा जो इकोनॉमिक लॉकडाउन का क्राइसिस था, वो लोगों ने किस प्रकार से अच्छी तरह से बिताया और क्यों। आखिर में मैं 2-3 और उदाहरण ये दूंगा अलग क्षेत्रों से, तो एक तो लर्निंग एजुकेशन का, क्योंकि जैसे आप लोगों का अभी जो 52 परिंदे वाला चल रहा है या ट्रैवल्स यूनिवर्सिटी का जो पूरा काम है, वो एक ऑल्टरनेटिव लर्निंग स्पेस है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन का नहीं, क्योंकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हमें मालूम है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो तो हमें हमेशा या तो कंपनी जॉब या गवर्नमेंट जॉब उसी तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कैपिटलिस्ट वगैरह जो पूरा कंपटीशन ये सारा जो है। तो इसके ऑपोजिट में किस प्रकार के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जैसे कि गांधी जी ने जो नई तालीम की बात कही, कि जो भी हम सीखते हैं उसमें ना केवल सिर का लेकिन हाथ और हृदय का भी एक उसमें हिस्सा होना चाहिए, और मैंने उसमें फीट पैर भी जोड़ दिए, और इस प्रकार का मतलब एक, या पॉल फ्रायर का जो पूरा एक था कि पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, की हम किस प्रकार से जो जो भी सीख रहे हैं उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, और जिनके पास अभी जो एकदम मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए और उनकी तरफ हम क्या सोचें, और उनके खुद की एक एजेंसी, उनके खुद का जो का जो ज्ञान वगैरह है उसको हम उसमें कैसे केंद्रित करें। तो इस प्रकार की जो अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस हैं ये बहुत हैं दुनिया भर में, भारत के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दिए हैं, लेकिन और जगह पे भी बहुत सारे हैं, जैसे जिसमें कि जैसे अगर ये बीच का अगर आप चित्र देख रहे हैं, गन्ने के खेत में बैठे हुए लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी का है, उन्हीं दलित महिलाओं का है, वो उनका एक अल्टरनेटिव लर्निंग स्कूल होता था, जहाँ पे अभी ये शायद फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो गन्ने का जूस निकालने की पूरी प्रक्रिया, तो उसमें फिजिकल वो भी हो गया, प्रैक्टिकल भी हो गया, और उसके साथ में गन्ने के जूस की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप मतलब एक साथ सब कुछ जो है पढ़ रहे हैं, और क्लासरूम में बैठे हुए एकदम प्रकृति से अलग, खेत से अलग, ऐसा नहीं है। और ओरिजिनल स्कूल का मीनिंग जो था, ग्रीक वर्ड था स्कोले या एस्कोले, जिसका मतलब था आराम से सीखना, लेजर, लर्निंग विथ लेजर, और आज के भारत के शायद 95% स्कूल तो जेल की तरह। सिमिलरली टेक्नोलॉजी की बात आती है, कि आज जो है टेक्नोलॉजी हम पे हावी है, कोई कहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी उत्पन्न करता है और हम सब पे वो हावी होता है, चाहे वो हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे और चीज़ों की बात करें। तो तकनीकी को भी हम वापस डेमोक्रेटिक स्पेस में कैसे लाएं, जिसमें लोगों का कंट्रोल हो, और ये भी हमें वापस से एहसास हो कि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एक्चुअली ऑर्डिनरी लोग ना केवल कर सकते हैं लेकिन हजारों साल से करते आ रहे हैं, ये केवल IITs और कॉरपोरेशंस में नहीं होता है, पीपल आर डूइंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ऑल द टाइम। तो इसको हम वापस कैसे करें, जिसके कई उदाहरण हैं, आप में से कोई अगर लद्दाख गया है या किसी ने 3 Idiots फिल्म देखी है, तो 3 Idiots फिल्म में जो आमिर खान का जो कैरेक्टर था, इट वॉज पार्टली बेस्ड ऑन सोनम वांगचुक, हु स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सेकमॉल, जो बॉटम लेफ्ट हैंड साइड को आपको पिक्चर दिख रहा है। तो खैर वो तो बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत सारी बात हो सकती है उनके बारे में, लेकिन उनका एक इंटरेस्टिंग ये था कि उन्होंने कहा कि मैं पूरा बिल्डिंग जो है इसमें अंडर इंटरनल हीटिंग बिल्कुल जरूरत ना पड़े ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि लद्दाख में तो -30 डिग्री चला जाता है ना,
तो फिर उन्होंने वो एक पैसिव सोलर आर्किटेक्चर, जो पुराना टेक्निक है लेकिन उन्होंने नया कुछ इनोवेशंस करके बनाया, तो उस स्कूल में आपको अंदर बहुत आराम से बैठ सकते हैं आप विंटर में भी बिना हीटिंग के। तो इस प्रकार के कई मतलब इनोवेशंस जो है भारत भर में भी और दुनिया भर में हो रहे हैं, जिसको लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण का असर बहुत कम होता है और जो लोगों के और खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। इसी तरह से मीडिया कम्युनिकेशंस का भी है। पहले शुरुआत में मैंने बात की थी सोशल मीडिया के कंट्रोल का और किस तरह से हमें पूरे सिस्टम को डिस्टॉर्ट करता है। तो क्या किस प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे कि ये कुछ आपकी स्लाइड पे दिख रही हैं, जहाँ पे लोगों ने दोबारा से डेमोक्रेटिक कंट्रोल लाने की कोशिश की है मीडिया में, ताकि हमारी आवाज़ जो है असल में लोगों को पहुँच पाए और जो खासकर जो वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ जो है पहुँच पाए और एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। तो कम्युनिटी रेडियो का एक जैसे उदाहरण है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जगह पे कम्युनिटीज अपना रेडियो चला रही हैं और कई लाखों लोगों को पहुंचता है। एक और आखिरी बात कह दूं, उसके बाद मैं रोकता हूं क्योंकि शायद कुछ सवाल भी होंगे और देन थर्ड सेक्शन में जाऊंगा। वो ये है कि ये जो प्रयास चल रहे हैं वो जब लोगों की तरफ से उठते हैं और लोगों की तरफ से आवाज़ भी उठती है और संघर्ष भी होता है, तो सरकार को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। और सरकार के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि बदलाव जो है अच्छा बदलाव हो। तो ये नई लॉज एंड पॉलिसीज जो कुछ प्रोग्रेसिव जो बनी है वो इसी से हुई है, मतलब जनता का एक आवाज़ नीचे से, ज़मीन से आवाज़ आई, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरा मूवमेंट चला, राजस्थान में शुरू हुआ, दिल्ली में शुरू हुआ, फिर पूरा एक नेशनल मूवमेंट बना, फॉरेस्ट राइट्स का भी ऐसा ही हुआ। तो सरकार की कुछ पॉलिसीज कभी कभी इस तरह से बदलती हैं ताकि कुछ और क्या बोलते हैं, लोगों को कुछ फ़ायदा हो या पर्यावरण को फ़ायदा हो। कुछ स्टेट्स ने कहा है कि हम पूरे की पूरा जो है अपना कृषि ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ाएंगे वगैरह। अब इनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये भी कोई ऐसा नहीं कि सब बहुत बढ़िया है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिखता है कि हाँ पॉलिसी लेवल पर भी शिफ्ट इस प्रकार से हो सकते हैं अगर हम अपना दबाव डालें और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम दिखाएं। आप में से शायद एक दो लोग केरल के भी हैं और शायद कुटुंबश्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो कुटुंबश्री भी एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कि लोकल लेवल पीपल्स प्लानिंग और महिलाओं का खास जो रोल है उसमें, उस पर सरकार ने काफ़ी मदद की है। तो अब मैं इसमें से तीसरे उसमें जाऊँगा कि इसमें से क्या ओवरऑल ढांचे निकल के आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक मिनट रोक देता हूँ ताकि किसी का और कोई सवाल जवाब हो और मुझे भी जरा एक मिनट का ब्रेक अगर आप दे सकते हैं। तो आशिक एक मिनट। श्योर श्योर। सो इन द मीन टाइम लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एदर यू कैन लाइक आर्टिकुलेट इट राइट नाउ और नो यू कैन मे बी पुट इन द चैट आल्सो। सो या अगर कोई सवाल आ रहा है तो अभी चैट में डाल सकता है। या फिर लिख के भी रख सकता है। तो अभी तक के किसी के कोई सवाल या कुछ कमेंट हो? वैसे तो मतलब हर एग्जांपल पे हम लोग काफी समय बिता सकते हैं, पर वो शायद अभी टाइम नहीं है, कभी और दोबारा सेशन रख सकते हैं। मेरा एक सवाल था,
हम अल्टरनेटिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं भी अल्टरनेटिव एजुकेशन को देखता हुआ आ रहा हूँ, उनके साथ में काम करता हुआ आ रहा हूँ। पर मेन स्ट्रीम एजुकेशन का जैसे हम जान हालत खराब है, तो क्या अल्टरनेटिव एजुकेशन ही सॉल्यूशन है या फिर हमें मेन स्ट्रीम एजुकेशन को अच्छा करना चाहिए लॉन्ग टर्म? हाँ बिल्कुल सही है, दोनों की जरूरत पड़ेगी राहुल, क्योंकि इतने सारे बच्चों को अल्टरनेटिव एजुकेशन पहुंचाने के लिए तो बहुत कई दशक लग जाएंगे। तो अल्टरनेटिव्स का फायदा एक तो ये है कि मतलब जिसको करना है वो उसमें कर सकते हैं, लेकिन एक उदाहरण बन जाता है, क्योंकि फिर हम अगर अभी के स्कूलों को कहें कि आपको बदलना है तो किस दिशा में बदलना है, कैसे बदलना है, जब तक कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी नहीं होंगे तब तक वो कहेंगे हाँ ठीक है आपकी बात सही है लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं मालूम है या हो नहीं सकता। तो वो मुमकिन है ये दिखाना और किस तरह से मुमकिन है और अलग अलग जगह में किस प्रकार के मॉडल्स, तो एक मॉडल पूरे देश में लग जाए ये भी गलत है। तो इसलिए हर स्टेट में हर रीजन में कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव अगर हमारे पास एग्जांपल्स हैं तो वो थोड़ा आसान पड़ जाता, आसान मतलब कम मुश्किल हो जाता है सरकार को कन्विंस करना। सरकार प्लस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी तो बहुत सारी आजकल आ ही रही हैं। करेक्ट, तो मतलब अल्टरनेटिव एजुकेशन मुझे लगता है कि अभी बहुत देश भर में बहुत जगह पर अलग अलग तरह से काम हो रहा है और बहुत अच्छा भी काम हो रहा है अल्टरनेटिव एजुकेशन में, लेकिन वो मेन स्ट्रीम तक अब तक की बहुत अच्छे तक पहुंचा नहीं है। तो मुझे समझना है कि कैसे हम मेन स्ट्रीम को बदल सकते हैं और शायद उसमें तो समय लगेगा पर उसके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसमें दो तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो जो सरकार का मतलब पॉलिसी है, अभी शायद पिछले साल ही कुछ नई पॉलिसी निकली है, मैं इस सत्र में काम नहीं करता हूँ इसलिए ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन जो नई पॉलिसी निकली है उसमें जो एजुकेशन पे जो मतलब थोड़ा सा प्रेस काम करते हैं, इस पॉलिसी में कुछ तो अच्छी चीजें हैं जैसे कि रीजनली रेलेवेंट होना चाहिए, मात्रा की बात है वगैरह, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। तो एक तो पॉलिसी शिफ्ट जो होता है वो कैसे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये कि अल्टरनेटिव पर्यावरण, अगर पर्यावरण की बात करें जैसे लद्दाख में जब हम लोगों ने काम शुरू किया मेरे साथियों ने वहाँ पे स्कूलों में, तो पता चला कि स्कूलों में जो पोस्टर्स वाइल्ड लाइफ के पोस्टर्स लगे थे वो अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ था या इंडियन वाइल्ड लाइफ भी था लेकिन उसमें टाइगर एलिफेंट वगैरह था जो लद्दाख में कभी किसी को दिखने नहीं वाला है। तो फिर उन्होंने नए सारे पोस्टर्स डिजाइन किए कि लोकल फ्लोरा फौना क्या है, लोकल कल्चर्स क्या है। तो इस प्रकार से लोकली रेलेवेंट, लोकल रेलेवेंस एक बहुत बड़ा लेसन है अल्टरनेटिव लर्निंग स्पेसेस से। तो ये चीज़ें पॉलिसी में लाना बहुत जरूरी। दूसरा ये कि कई जगह कई तरह से एजुकेशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर भी होती है, ना केवल नेशनल एनसीईआरटी वगैरह, स्टेट। तो स्टेट के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि कैसे हम इन्फ्लुएंस कर पाए। और इसमें जैसे तमिलनाडु ने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए हैं, केरल ने कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए हैं कि हम एजुकेशन को और ज़्यादा किस प्रकार से एक्साइटिंग बना पाएँ, मोर एक्सपीरियंस बेस्ड बना पाएँ, मोर लोकल प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड बना पाए। जैसे तमिलनाडु में पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बहुत चला था कई सालों तक। तो स्टेट लेवल पर भी पॉलिसी बदलने की कोशिश करनी जरूरी है। और आखिरी ये है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। तो अब जैसे मैंने एक बात हुई जैसे कि खाना, मिड डे मील्स। अब मिड डे मील्स को आप बड़ा इंटरेस्टिंग एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी बना सकते हैं, उसको लोकली आप वहाँ की जो फूड्स हैं वहाँ पर, अभी लद्दाख में एक ऑर्डर निकला है, हम लोगों ने बहुत दबाव डाला तो निकला है कि लोकल फूड्स ज़्यादा होने चाहिए, ना कि दिल्ली से आ रहे हैं या पंजाब से आ रहे हैं। तो लोकल फूड्स, और उसके साथ में आप चर्चा भी हो सकती है ना कि वो लोकल फूड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, फार्मर्स किस तरह से उगाते हैं, लोगों की दिक्कतें क्या हैं, तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो ये डिसीजन जो है वो नई दिल्ली से आना ज़रूरी नहीं है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के भी हो सकता है, पंचायत भी अपनी तरफ से ले सकती है इस प्रकार का। या जैसे आंगनवाड़ी होते हैं, आंगनवाड़ी में भी बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इस प्रकार के। सो वेरेवर हुएवर इज इन कंट्रोल, उसको अगर हम इन्फ्लुएंस कर पाएं शोइंग एग्जांपल्स, तो आई थिंक दैट वुड एटलीस्ट, अदरवाइज अगर खाली सेंट्रल लेवल पर करेंगे तो पता नहीं कितने दशक होगा, ये नहीं होगा पता नहीं, बट इफ वी डू इट एट ऑल दीज डिफरेंट लेवल्स इट माइट बी फास्टर एंड ईजियर टू टेक ऑल्सो, क्योंकि वो लोकल एग्जाम्पल है तो वो किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना थोड़ा आसान पड़ जाता है। करेक्ट,
और इसमें एक और चीज सर मुझे लगती है, थोड़ा मुझे उसमें बताइए कि एजुकेशन को लेकर के हम अलग अलग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं छोटा, बट लार्ज स्केल पर देश में एजुकेशन हमारे साथ मुद्दा नहीं है कि एजुकेशन अच्छी मिलना चाहिए, या फिर जब हम वोट डाल रहे हैं तो शायद हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए, और इस कारण से भी इतना प्राइवेटाइजेशन हो गया है कि हर जगह पे मतलब कि जिस के पास में पैसे हैं वही बच्चे अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो वो जो पेरेंट्स की जो अवेयरनेस है या पेरेंट्स को वो जो है कि नहीं हमारे लोकल स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे होने चाहिए, शायद ये भी मुझे लगता है कि बहुत कम है, या फिर पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है देश में हमारा एजुकेशन, तो इसके बारे में आप नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो सही है कि वो लोग कहते हैं कि हमें चाहिए एजुकेशन, स्कूल चाहिए, ये एक मुद्दा बन जाता है लोकल इलेक्शंस वगैरह में, मुद्दा बनता है, या नेशनल लेवल पे भी अगर होता है कि आपने एजुकेशन बजट बहुत कम डाला है, 1% ही डाला है, वैसे 3 या 4% होना चाहिए, ये इश्यूज कभी कभी आते हैं इलेक्शंस या पॉलिटिक्स में, लेकिन उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ये जो अल्टरनेटिव लर्निंग वाली बात है ना वो बहुत कम आती है, ना के बराबर है, और खासकर जो आप कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन पब्लिक एजुकेशन को है जो हमें बढ़ाना चाहिए, इसको इस पर क्वालिटी डालनी, सेम थिंग विद हेल्थ, हेल्थ में भी तो वही हो रहा है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर मेकिंग लॉट्स ऑफ मनी क्योंकि पब्लिक सेक्टर की हालत इतनी बुरी है। तो ये जो जैसे जन स्वास्थ्य आंदोलन है, नेशनल कैंपेन फॉर एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, वो लोग तो बात कर ही रहे हैं कि हमें पब्लिक सेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बजट बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है वगैरह, ये दे रहे हैं, लेकिन नॉट इनफ, आई मीन वी नीड मच मोर प्रेशर ऑन दैट। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ विच इज़ अ नाइस वन, कुनेरिया गांव है कच्छ में, जिन्होंने कोविड के दौरान भी बहुत इंटरेस्टिंग काम किया, तो उन्होंने अपने पब्लिक स्कूल जो है उसको इतने बढ़िया बना दिए हैं पंचायत के फंड्स लेके और डिस्ट्रिक्ट के भी जो एजुकेशन फंड्स आने थे उसको लेके, कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे वहां से अब बच्चे, पेरेंट्स जो है बच्चे वापस पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं वापस, पब्लिक स्कूल मत सॉरी इंडिया में पब्लिक स्कूल का मतलब प्राइवेट होता है, तो गवर्नमेंट स्कूल में वापस भेज रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है, या इस तरह के कई उदाहरण से जिसमें पंचायत भी जो है वो अपनी तरफ से सशक्त हो सकती है। इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू। और किसी का कुछ नहीं तो मैं आगे चलूं। I'd like to ask a follow-up question on the same. Am I audible? Yeah, Kavya, go ahead. I think maybe if you switch off your video, your audio might be better. आपका इंटरनेट शायद बैंडविड्थ कम है। हाँ, नेटवर्क का इश्यू है। If I'm audible, I can ask the question. Yeah, I can hear you now. Yeah. So I was going to say that the local relevance aspect we are talking about in the alternative approach, I think if it can be considered to be possible in an environment that there is already a transformative approach like Adivasis or certain rural spaces or related to certain communities per se, based on gender or all systems. Here at least I think there is possibility to initiate a certain discourse. But if we come to the other exact contrasting element, the urban spaces or the city environment, those who have been conditioned to this kind of settlements, their thoughts and aims, obligations are all related to this. So what is the approach here? Like the bridge where we build between these two things? So I think, Kavya, in the cities, I mean, I was missing bits of your question, but you're saying in urban spaces, what are the possibilities for alternative learning, right? Yeah, because the way the urban education system or the whole livelihood aspect follows through a certain set rules and regulations, like certain age, there's certain education, then you have job opportunity or possibility, and that somehow determines the convenience level or the comfort zone where a person wants to go and establish himself or herself in a certain way. So, okay, so in urban spaces, I think there are two kinds of situations which we have to look at differently. One is the poorer colonies, right? The slums or the middle, the lower middle class colonies, which is a different situation, which is mostly where there are government schools.
And there's no reason the same policy that we're attempting for government schools in villages cannot also apply in cities, where the government schools become much better quality, but also have learning spaces which are different, which are not completely alternative, will take a long time, but at least some things are different. So for instance, there are some example, I think Delhi, for instance, is doing it to some extent, where in the even in the government schools, you have the possibility of learning from local experience, going to a local ecosystem or to a local community and learning directly from them rather than only from textbooks and teachers. Yeah? That I think that's very possible. In fact, even in Delhi, I remember when we 40 years back, when we started Tarku Vriksh 43 years back, we used to actually do learning like biology classes outside in the Delhi Ridge Forest area, right? So for kids from various different kinds of schools, there were not so many private schools then, but there were these so-called public schools which were elite, and then there were the government schools, and we used to be able to take the children out. So you can create those experiences. You can also do things like, again, there are examples, I think, in Delhi where, for instance, the I think a number of schools have set up solar rooftop energy generation, and they're actually generating most of the electricity through that. They're saving lots of money. They're not taking so much from the main grid. But it also becomes a learning experience for the children, setting them up, what is the principles of solar energy, et cetera, right? And then the climate, you can bring in the whole climate justice issue, et cetera. So in this way, there are many possibilities, both in the richer areas, but not the poor. But also very important here is the earlier education policy, the Right to Education Act, if I'm not mistaken, also had this thing about neighborhood schools, which means that whether you were rich or poor, you had to be, even if you're poor, you had to be accommodated into that neighborhood school. Now, the idea was that you would then get a mix of people from different classes, kids from different classes, learning with each other, maybe understanding each other better. It hasn't worked very well for all kinds of reasons, and people have tried to bypass the system in many ways. Elite schools have tried to stop poorer kids from coming. But at least the law is there. Now, that could also be used to try and create a more equal, you know, an atmosphere where equality, justice, those sorts of issues also kind of come into the curriculum or into the extracurricular activities. But all of this, in one way or the other, depends on people being there to push this to happen. Either a teacher or a principal or an NGO or a government officer who's there and who says, okay, this is what can happen and we will make it happen over the next 5 years. Without that, you can have any policy and it's never going to work. So this is the importance of civil society action and community action. Now there are many schools, actually, many of the so-called public schools which are doing a lot of alternative things in cities. But very often these are only for the elite kids. But there's a lot. I mean, yeah. They will take them out. They will even take them to movements like Narmada movement, etc., for a experience. So that's happening. But it's happening at a certain kind of class. Sorry? I think at the end, again, these alternatives will end up providing the same livelihood aspect that is already existing. Like the kids, no, if you have these sorts of experiences, some of the kids, maybe 10 out of 100 kids, might choose to take a different occupation altogether, because they at least know that these exist. Earlier, you know, children may not even know that there are alternative livelihoods possible. So the more this kind of exposure happens, the more the possibility that a certain percentage of children, their parents may also get convinced to say that, okay, you want to go into doing social action, you know, it's fine. Or a child might tell his parents or her parents that, no, you, whatever you want me to do, I'm not going to do it. I actually want to go in this direction. You know, many, many, many examples of this now already, right? In fact, probably some of you are like that on this call. So, but the crucial thing is to provide the exposure and the opportunity for children to know that these, and their parents to know that these alternative livelihoods do exist, and they are exciting and they're viable. And you're not going to starve on the street. And that they're also, you know, depends on what you're looking for. Are you looking for
money and fortune and fame and power, then these are not the options. But if you're looking for an exciting livelihood, you're looking for something which really, you know, touches your heart, which is your passion, where you're going to sleep easy at night, rather than worry about where my rupees are going to go tomorrow morning, then these options need to be known to people so that they can opt for them. Okay, maybe I should go on because we may then otherwise run out of time. So if there's any more, just hold on to it. We'll come back to, I'll finish in the next 10 minutes or so. Then we can come back to one further round of questions. Okay? Sure. हाँ, तो मैं बात ये कर रहा था कि इन सारे उदाहरण से और इसके साथ, तो मतलब बहुत सारे और उदाहरण है, हमारे विकल्प संगम वेबसाइट पे लगभग शायद 1800 इस तरह की स्टोरीज हैं, और दूसरा एक वेबसाइट जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, उसमें पूरे दुनिया भर के बहुत सारी स्टोरीज हैं। इस स्टोरीज को लेते हुए इसमें से क्या मेन लेसन हमें निकल के आ रहे हैं, और क्या किस प्रकार के ढांचे उभर के आ रहे हैं कि हम सोचें कि वैकल्पिक समाज कैसा हो जिसमें कि ये प्रॉब्लम जो आज की इस प्रणाली से हो रहा है वो ना हो। तो जो हमारी विकल्प संगम की प्रक्रिया जिसके बारे में आखिर में बताऊंगा, उसमें से उभर के ये एक फ्लावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे एक बदलाव का फूल कह सकते हैं, कि किस प्रकार से 5 अलग अलग आयामों में, स्फीयर्स ऑफ लाइफ में क्या बदलाव लाने की जरूरत, क्या ऑलरेडी हो रहा है और क्या लाने की जरूरत है। तो इस पे थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं एक एक करके बताऊंगा, और लेकिन इस फूल के बिल्कुल मध्य में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मूल्य, नैतिक मूल्य, जिस पे भी मैं थोड़ा जिक्र करूंगा एक मिनट। तो एक मैं पूरे में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये अलग अलग स्फीयर्स लेते हैं, तो जैसे कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात हुई कि गढ़चिरौली या फिर जो रोजावा की महिलाएं हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि अगर हम किसी भी कस्बे में हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, तो निर्णय प्रणाली, निर्णय जो है हमारे हाथ में होना चाहिए। पावर शुड बी इन आवर हैंड्स, वी आर बॉर्न विद दैट पावर, व्हाई शुड वी गिव इट टू पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। लोकतंत्र का मतलब इलेक्शंस नहीं है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों के पास सत्ता, है ना। डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द पीपल, नॉट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो ये एक पूरा जो एक पुराना भी है लेकिन एक नया जो एक स्वराज की तरफ बढ़ने की जो एक प्रक्रिया रही है कई जगहों पे, इसको हमें एक केंद्रित करते हुए कहना चाहिए कि आज की डेमोक्रेसी एडिक्वेट नहीं है, इनफ नहीं है, बल्कि कई तरह से गलत भी है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब ये हो सकता है और ये उदाहरण है। इस डेमोक्रेसी का मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग नया एक चित्र उभर के आता है, नया एक मैप उभर के आता है, जैसे कि साउथ एशिया का, जिसके बारे में मैं एक मिनट में आपको मैप करके बताऊंगा, कि जिसमें ये सवाल उठ जाता है कि आज की हमारी जो बाउंड्रीज हैं, चाहे वो भारत के अंदर स्टेट की बाउंड्रीज हों, चाहे साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के बीच की जो बाउंड्रीज हैं, उन पर भी सवाल उठ खड़े होते हैं, और मैं इस पर अगले स्लाइड में वापस आऊँगा। फिर तीसरा है कि केवल राजनैतिक लोकतंत्र काफ़ी नहीं है, अगर इकोनॉमी के कंट्रोल्स प्राइवेट कॉरपोरेशन या सरकार के हाथ में होंगे तो लोकल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी पे कंट्रोल किसी और के पास रहेगा। तो हाउ टू डेमोक्रेटाइज द इकोनॉमी ऑल्सो, जिसमें कि जैसे उदाहरण दिया, दलित महिलाओं का कहना था कि भोजन पे और उसके साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जमीन, बीज वगैरह, उस पर कंट्रोल हमारा होना चाहिए, स्वराज, अन्न स्वराज। उसी तरह से लोग जमीन की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं, अपना जो लोकल प्रोडक्शन है, चाहे वो काश्तकारी का प्रोडक्शन है, हस्तकला का प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री में भी वर्कर्स का, मैंने आपको ग्रीस का एग्जांपल दिया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहाँ तक हम कर रहे हैं उसका भी कंट्रोल वर्कर्स के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि आखिर में मेहनत तो वर्कर्स करते हैं ना, कोई कैपिटलिस्ट बैठा हुआ वो नहीं करता। तो ये एक बदलाव बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, जिसका मतलब ये भी हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सेंट्रल ना माने, हम कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, ये सब गलत वो है, हम कहें कि डेवलपमेंट या विकास या वेल बीइंग या खुशहाली के इंडिकेटर्स जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी नहीं है,
उसके इंडिकेटर्स हैं, सबके पास शुद्ध पानी पीने का है या नहीं, सबके पास अच्छा पर्याप्त खाना है या नहीं, सबके पास शुद्ध हवा है या नहीं, सबके पास एक ठीक से रहने का आवास स्थल है या नहीं, ये इंडिकेटर्स बन जाते हैं। सबकी आवाज निर्णय प्रक्रिया में है या नहीं है, महिलाएं और पुरुष की बराबरी है या नहीं है, ये इंडिकेटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि हम 5% इकोनॉमिक ग्रोथ, 6% 10% इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिर इसके साथ सामाजिक न्याय और समानता की भी बात तो जुड़ी जाती है, क्योंकि ये सब हम कर लेंगे लेकिन ये केवल एक खप पंचायत जैसा रह जाएगा जिसमें कि बुजुर्ग आदमी लोग ही है सारा परिणाम निर्णय ले रहे हैं और सारा फायदा उनको मिल रहा है, तो वो भी ठीक नहीं है। इसका मतलब समानता की जितनी भी लड़ाइयां हैं, चाहे वो LGBTQ की हो, महिलाओं की हो, दलितों की हो, किसी की भी हो, वो भी फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें मुद्दा बन जाता है। फिर इसके साथ जुड़ता है चौथा स्फीयर, विच इज कल्चर एंड नॉलेज डाइवर्सिटी, कि जैसे कि दलित महिलाओं का कहना है कि हम बाहर से विज्ञान, ये कृषि का विज्ञान को भी हम सीखेंगे और लेंगे, लेकिन आधार होगा हमारा खुद का ज्ञान, क्योंकि हमारे तो सैकड़ों साल का ज्ञान है इस जमीन के साथ काम करने का। तो इसी प्रकार से अलग अलग ज्ञान को साथ लेना और फिर अपनी बात आगे बढ़ाना या अपना वेलबींग या खुशहाली बढ़ानी, और सेम थिंग विद कल्चर। आज के माहौल में तो लगता है कि पूरा भारत जो इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, इस पे तो सवाल उठना ही चाहिए कि इस देश में, इस पूरे साउथ एशिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे फेथ्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो बिना धर्म के भी रह रहे हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, इतनी सारी लैंग्वेज, 800 लैंग्वेजेस हैं केवल भारत में, इन सबको महत्वपूर्ण मानते हुए कैसे हम एक दूसरे के साथ रह सकें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी आजकल जैसे सद्भावना मीटिंग्स चल रही हैं काफ़ी भारत में, 1000 सद्भावना मीटिंग्स होने वाली हैं अलग अलग धर्मों के बीच में, कि आज का जो माहौल जो बहुत खतरनाक माहौल उभर के आ रहा है उसको हम कैसे रोकें और बदलें। ये अगर हम इस प्रकार के जब मूलभूत सवाल जब पूछेंगे ना, तभी हम सरकार की या कंपनियों, वही बात जो हम शुरुआत में बात की कि जो सॉल्यूशंस वो दे रहे हैं उसको हम थोड़ा और गहराई से देख पाएंगे, उस पर सवाल पूछ पाएंगे। क्योंकि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री ने कम से कम 2-3 बार बोला कि हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है, हर गांव को आत्मनिर्भर बनाना, हर स्टेट को आत्मनिर्भर, हर पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जो सोच ठीक है लेकिन एक्चुअल पॉलिसीज जो है, जो बजट्स हैं, वो उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं ना। मेक इन इंडिया का तो पूरा है कि पूरे दुनिया भर की कंपनियों को बुला के यहाँ पे प्रोडक्शन करें, हस्तकला के जो कारीगर हैं उनकी तो बुरी हालत है। तो ये मेक इन इंडिया में होना तो ये चाहिए ना कि सारी, मतलब सब, आप जूते ले लें, साबुन ले लें, कपड़े ले लें, कुछ भी चीज़ जो हमारे रोज की ज़रूरत है वो सब लोकल लोग बना सकते हैं, मोस्टली हैंडमेड, पर उस दिशा में हम बढ़ ही नहीं रहे। दैट वुड बी सेल्फ रिलायंस, दैट वुड बी आत्मनिर्भर भारत। लेकिन खैर उनका तो अलग ही, वो कोल माइनिंग का भी जो है वो आत्मनिर्भर भारत में आ रहा है। मैंने जैसे बायो रीजनलिज्म की बात की कि बॉर्डर्स के सब पे सवाल पूछना, तो साउथ एशिया को अगर आप देखें, एक जस्ट फॉर अ मिनट थिंक अबाउट इट, विदाउट बाउंड्रीज, जिसमें कि गंगा एक बेसिन है और पूरे गंगा के लिए एक प्लानिंग अथॉरिटी या ये एक पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग गंगा के लेवल पे होती है, जिसमें कि बांग्लादेश भी है, भारत भी है, गंगा की जो नदियां गंगा में बह के आ रही हैं उसमें नेपाल भी आ जाएगा, चाइना, अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर बन गया है टिबेट और लद्दाख के बीच में, उस बॉर्डर की वजह से लोग जो आते जाते थे, वाइल्ड लाइफ जो आता जाता था, वो सब रुक गया है। क्या हम एक मिनट के सोचते कि वो बॉर्डर ख़त्म हो गया, वहाँ से आर्मीज भी चली गई और लोग दोबारा से आप वाइल्ड लाइफ आ जा सकता है। सेम विद इंडिया एंड पाकिस्तान, सॉरी डिड आई सडनली गो ऑफ, या लाइक या फॉर अ फ्यू लाइक अबाउट अ मिनट या समथिंग वी लॉस्ट यू। ओके, आई थिंक समबडी डिडंट लाइक माय आईडिया ऑफ अ बॉर्डरलेस साउथ एशिया। दिख रहा है वापस?
No, not yet. Oh, you can't see it? I can see it on my... Okay. Yeah. Okay. Yes. Anyway, so I don't want to go on about this. This is again a very complex topic. But ye kam se kam hum thoda sa soch ke hisab se, even within India, to think of how do we do planning which is not, you know, Kerala is planning itself, I think Karnataka is planning something else, Goa is planning something else, Maharashtra. Lekin pura ka Western Ghats ka jo hai, wo jo connection hai, ecological cultural connections, usko leke hum kaise kar sakte hain? Kya nayi constituencies bana sakte hain political uske hisab se? और आखिर का मुद्दा तो यही आता है कि हम हमारी और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है. हम अपने आप को मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने आप को नेचर के बाहर समझता है, ह्यूमंस एंड नेचर. या जो लेफ्ट साइड को आपको जो चित्र दिख रहा है, जो हमें बायोलॉजी में पढ़ाया गया था कि मनुष्य सबसे ऊपर है, और ये भी देखिए कि वो आदमी ऊपर है और औरत उससे नीचे है. तो ये एक मॉडर्न बायोलॉजी का जो है दृश्य. और दूसरा जो सर्कल है, जो इंडिजिनस लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम एक, वी आर वन आउट ऑफ मेनी स्पीशीज, हम सर्कल ऑफ लाइफ. तो वापस उस तरफ हम लोग कैसे बढ़ सकते हैं जिसमें कि हम अपने आप को प्रकृति का हिस्सा समझें और एक छोटा सा हिस्सा समझें जिसमें कि बाकी सारे भी जितने भी जानवर हैं और पौधे हैं उनका भी उतना ही हक बनता है जीने का जितना कि हमारा बनता है. तो जैसे मैंने आपको फ्लावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बीच में बताया कि एक मूल्य क्या बोलते हैं, नैतिक मूल्यों का है. तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सीख पिछले 30-40 साल में यही रही है कि हम किसी एक डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी या दूसरी कोई टिम्बक्टू वगैरह, उसको हम कॉपी करके कहीं और नहीं ले जा सकते, ना ही हम उसको और बड़ा बनाते जाएं, जिसको बोलते हैं ना अपस्केलिंग, इसको हम अपस्केल कैसे करें. बट इंस्टेड ऑफ दैट वी लर्न द लेसन, उसके जो मुख्य सीख है उसको सीखते हुए हम किसी और जगह पे अपनी तरह से अपने जितने भी उसमें मॉडिफिकेशंस करने, बदलाव लाने हैं, वो करके अपनी जगह पे करें. तो इसके लिए ये जो वैल्यूज़ हैं, मैं अभी खाली इस पे डाल रहा हूँ, इस पे हर एक पे चर्चा करना तो मुमकिन नहीं होगा आज, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि फोर्थ बुलेट पॉइंट है, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम कम्युनिटी लाइफ की बात करें, चाहे हम कोविड में किस तरह से बचना है वो बात करें, जब तक कि सॉलिडारिटी, एक दूसरे को मदद करने की, एक दूसरे की एक कम्युनिटी स्पिरिट लाने की, एक दूसरे के साथ सॉलिडारिटी के साथ जीने की बात वापस नहीं लाएंगे, अगर हम खाली जो है प्राइवेट इंडिविजुअलिस्टिक, मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, बाकियों का कोई मुझे मतलब नहीं है, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस पर आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक हम इस प्रकार की दिशा में कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ेंगे, वी विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम. जब हम कोऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ, तब ये सॉल्यूशंस निकल के आएंगे. लेबर की बात है, ऐसा इकोनॉमी में क्यों है कि मैं अगर एक आर्टिकल लिखूं कृषि पे तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा बजाय उस किसान के जो कृषि, जो अपना किसान मतलब खेती करके मुझे खाना खिला रहा है. तो ये एक जो एक डिविजन आ गया, इंटेलेक्चुअल वर्सेस फिजिकल लेबर, वो भी हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है. एनी वे आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन. ये जो लास्ट का है फन या एन्जॉयमेंट, वो हमारी 4-5 साल पहले एक युवा विकल्प संगम हुआ था, उसमें लोगों ने इधर तक का लिस्ट देखा, मैंने कहा ये तो बहुत सब सही है लेकिन बहुत सीरियस है, हमें फन भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में मज़े नहीं आएंगे तब तक पॉइंट क्या है. तो ये एक्चुअली एक वो मतलब ऐसी अवधारणाएँ हैं या सोच है जिसमें कि केंद्र में जीवन है, केंद्र में पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, प्रख्यात होना नहीं है, लेकिन जीवन है. तो वो क्या वैल्यूज़ हैं, और हर एक संस्कृति में, हर एक सोसाइटी में अलग तरीके से एक्सप्रेस हो सकती हैं, कोई वो एक मॉडल नहीं है, लेकिन ये लिस्ट बड़ा मुझे बहुत सीखने को मिला इससे. इन सब को मिला के फिर हम भारत में एक सरफ क्या बोले अप्रोच हमने लिखा है इसके बारे में, इको स्वराज या प्राकृतिक स्वराज, जैसे कि दलित महिलाओं का है कि हम, स्वराज का मतलब है बीज हमारे हाथ में, तो मेनली तो वही है उसका मतलब कि जहाँ पे भी हैं हम निर्णय प्रक्रिया में केंद्रित हैं और लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं सामूहिक तरीके से तो दूसरे समूहों, दूसरे व्यक्तियों का भी सोचें और उनकी खुशहाली के बारे में, और दूसरे प्राणियों का भी और उनकी खुशहाली के बारे में भी सोचें. इसलिए इको स्वराज
का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट निकला है। बाय द वे वर्ड्स शब्दों के बारे में मेरा बहुत इंटरेस्टिंग मतलब मेरा बहुत रुचि है। तो जैसे मैंने आपको स्कूल का बताया ना ओरिजिनल मीनिंग स्कूले, ऐसे ही मुझे लगता है कि सॉरी रेडिकल हम लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं कि ये तो रेडिकलाइज्ड यूथ है, मतलब एक दूसरे को मार रहे हैं। रेडिकल का मतलब अपने जड़ों पे जाना, बहुत अच्छा शब्द है। मुझे लगता है अगर रेडिकलाइज होते हम सब लोग तो एक दूसरे के साथ और अच्छी तरह से जी सकते और प्रकृति के साथ। एनीवे ये तो खैर मेरा एक अलग सा रुचि है शब्दों का ओरिजिनल मीनिंग देखते हुए। इस प्रकार की वर्ल्ड व्यूज जो है दुनिया भर में बहुत हैं। कुछ बहुत प्राचीन हैं जो आदिवासी समुदायों से है, इंडिजिनस पीपल से है। कुछ नई हैं जैसे यूरोप में डीग्रोथ का पूरा एक मूवमेंट चला है, कॉमन्स इकोनॉमी, मतलब कि सब चीज़ों को हम प्राइवेट नहीं लेकिन कॉमन्स में देखें, मतलब सामूहिक तरीके से देखें। इको फेमिनिज्म का मूवमेंट चला है। तो कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ पुरानी हैं जो आज के मूवमेंट्स में वापस आ रही हैं। इवन रिलीजन्स की बात, हिंदुइज्म इस्लाम वगैरह को जो है हम किस तरह से रेडिकली उसको हम देखें, रीइंटरप्रेट करें, ताकि उसके जो आध्यात्मिक रूट्स हैं जिसको आज के लोगों ने कैप्चर कर लिया है, उस तरफ हम वापस जाएं और एक दूसरे को के साथ कैसे हम रह सकें। ठीक है, लेट मी फिनिश नाउ। लास्ट में बस एक दो स्लाइड्स हैं कि इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने, इस सोच को और आगे बढ़ाने के लिए जो है हम 2014 में विकल्प संगम नाम की प्रक्रिया शुरू की। आप में से कई लोग शायद जुड़े हुए हैं या जानते हैं, जिसमें कि ट्रैवलर्स यूनिवर्सिटी भी कोर ग्रुप में है, जिसमें इन सब लोगों को एक साथ ला के सीखना, एक साथ और ज़्यादा काम करना, कोलैबोरेशन करना और एक साथ मिलके एक दृश्य निकालना कि आगे का समाज किस प्रकार का भारत का समाज हो सकता है। तो वही दृश्य मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। युवा विकल्प संगम की प्रक्रिया इसमें बराबर चालू है। आशिक बहुत सेंट्रली इन्वॉल्व है उसमें और भी आप में से कुछ लोग होंगे ज़रूर। और ये जो विकल्प संगम की वेबसाइट है, जैसे मैंने कहा कि इसमें करीब अभी शायद 1800 अलग अलग मतलब स्टोरीज हैं पूरे भारत भर में अलग अलग प्रकार की कि कहाँ पे क्या बदलाव आ रहा है। इसी प्रकार से विकल्प संगम की सीख लेते हुए दुनिया भर के जो वैकल्पिक आंदोलन वगैरह चल रहे हैं उनको साथ लाने की प्रक्रिया ये है, GTA ग्लोबल टेपेस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव्स। एक दूसरे वही सेम ऑब्जेक्टिव कि सीखना, एक दूसरे के साथ काम करना और एक कलेक्टिव वॉइस ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करना अल्टरनेटिव्स के लिए। ये कुछ किताबें हैं जो जो सारी अब फ्रीली अवेलेबल है PDF में, तो आपके पास शायद आशिक आई थिंक यू हैव द लिंक्स, अदरवाइज मैं भेज दूंगा आपको। या आई हैव द कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी विद मी, आई कैन शेयर। या एंड मेनी ऑफ दीज आर आल्सो अवेलेबल, इसमें से कई एसेज जो हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल हैं, जैसे प्लूरिवर्स में से शायद 10 एसेज जो डेमोक्रेसी पे थे उनका हिंदी ट्रांसलेशन भी हुआ है। तो ये करके मैं अपनी बात, मेरा ईमेल वगैरह है, ये प्रेजेंटेशन भी आप शेयर कर सकते हैं सबके साथ अगर किसी को इस्तेमाल करना हो तो। इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है क्योंकि मैंने भी जिसमें जो चीज़ें डाली हैं वो दूसरे से सीख के ही डाली हैं और सबके नाम नहीं डाले हैं, तो आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू। सॉरी लंबा हो गया थोड़ा, 10-15 मिनट और चला सकते हैं मेरे पास। Thank you, thank you so much for that. Yeah, and now, like, if any questions are there coming up, you can have a drop. You can take that. Yeah. Ashik, translate it. Yeah. As well, Agnes will ask the question in Malayalam. I'll translate to English and share. Yeah. നമ്മുടെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രെയിംവർക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീമിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അതായത് അവരുടെ ഒരു അവസാന അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല. സോ ആ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് എല്ലാവർക്കും ചോയ്സസ് ആ റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്?
Yeah, so the question is, when we come to the alternatives framework, so for people who are like in the mainstream, they have a choice. They can make a choice to move towards the alternatives. But what about the people who are already marginalized? How much room do they have to explore and be involved in the alternatives? How can we address whether this contradiction or of the difficulty in people attaining or moving towards alternatives? So, So I think should I respond in English or Hindi? Yeah. English, please, and we can translate to Hindi in the chat for the other two people. Okay. So, thanks, Agnes, for that question. So I think it depends on which sector we're talking about. So for instance, organic food is not an easy choice for the poor because it's very expensive, mostly in cities, especially it is, or that zero waste shop that I gave the example of is available mostly to the rich and not to the poor. So there are fewer choices, but when it comes to more fundamental choices of livelihoods and occupation, maybe I wasn't able to express it clearly enough, but most of the examples I gave were actually of marginalized people and communities doing those things. Like 5,000 Dalit women farmers are extremely marginalized 30 years back. Very, very exploited, very difficult situation. They are the ones who made that revolution happen. It wasn't some outside agency that did it, right? The Adivasis in central India, the Korchi Mahagram Sabha, these are all very marginalized people. Nobody is rich. Nobody is powerful. Nobody has that kind of resource or access to, corridors of power. But they made that change happen over 90 villages of local self-rule, of controlling their forests. Now they're actually earning quite a lot of money through. They've kicked out contractors and they have created their own forest enterprises, forest-based enterprises through bamboo and things like that, and they're actually selling that and getting money back for their village. In fact, it was that money that became very important when migrant labor from their villages that had gone out had to come back in the COVID time. It was this community fund from having used the forest in a sustainable way that was used to help these families. So, for instance, I didn't have time to go into too many examples, but if you take in my city in Pune, 3,000, 4,000 waste picker women, mostly Dalit, mostly very, very marginalized, have created a cooperative and a union, KKP, KP Swachh, and their situation now is much better. They refuse to take from households that treat them without dignity. They refuse to take from households who have not segregated their waste. They all have uniforms, gloves, if they want to use them. Their salaries are, their income is much better. They're able to send their children to school, which was earlier never possible, etc. So the stories are actually, I try and give stories mostly from the marginalized sections and a few from middle class, because I also don't want to say that this is only happening with there. It's also possible with privileged people like me. So I don't know. I hope that kind of convinces you. But the issue really is that the conditions, the situation of collective mobilization becomes very, very important. For any individual Dalit or Adivasi or woman to do something would be very difficult. But you have 300 of them getting together or 5,000 getting together, it is much easier to make that change. Thank you. And of course, Agnes, I think if you're from Kerala, you will know that sometimes government help also helps. Something like Kudumbashree becomes a very big support for marginalized women in villages. If it's the right kind of scheme and if it is properly being implemented, then that also makes a big difference. Yeah, exactly. Thank you. So I have a question. Yes, Ankit. So usually by democracy or democratization, we understand increase in people's access or control, but there is also a side where democracy is also exploitative, where the majority ends up
deciding for even the 40% minority, for example. So how do we resolve this when we are looking for alternatives where there is democratization? So actually the principle of radical democracy or radical ecological democracy is that it will not work on principles like majoritarianism. It will not be a voting kind of thing. So for instance, if you take the central Indian example of the Adivasi villages, like Mendaleka started this village of Mendaleka started this principle 30 years back, that every decision will be taken by consensus. And even if one person is disagreeing, the rest of the people will not force that decision until, you know, some proper consensus with all the information, etc., has been put into the discussions, and then everybody's agreed or disagreed. So they will not work with voting. Even in our organization in Kalpavriksh, for the last 42 years, we have worked on that principle. There is no majority minority. There is no one person who can take a decision. All members are equal, and all are eligible to take part in decision making. But there are still invisible hierarchies that can play. You know, like me, I have more experience than somebody who comes in new. So that person might not even speak because he or she is hesitant to say something in front of somebody who's been around for 40 years. So those work. So you have to create an atmosphere also, giving the confidence to people, whether they're new or old, that they can speak, that their voice will be heard. And even if they make mistakes, it's encouraged to make mistakes and learn from them. So I say that, and I can send you an article on this, that there are four crucial conditions for successful democracy. One, people should have the right to participate. It's not just I'm allowing you to participate, but that you have the right to do it. It's fundamental to you, right? So not just... Sorry, I think I got knocked off again. Am I back? Okay, so I was saying that by law you have to have Mahila Sarpanches. There's a reservation, right? But the actual decision making is done by the husband. It's called the Sarpanch Pati, SP. So unless the capacity of the woman is built and the confidence is built, they also the right to participate is not adequate. So the second thing is capacity and confidence. The third thing is the forum, the right, you have to have accessible forums. If your Gram Sabha or your urban ward committee or whatever is taking place 20 kilometers away, or is taking place in a kind of setting like, you know, suppose you're a disabled person and it's somewhere where you can't even reach because there are steps and your wheelchair won't get there, that means that the forum of decision making is not available to you. So the forums have to be accessible also, and they have to be frequent, regular, open, transparent forums of decision making. It could be the Gram Sabha, the Urban Ward Committee, whatever, there are different forums. The fourth and the most important one is what I would call maturity or wisdom, which means the maturity or the wisdom to know that even if I'm powerful in some way, I must listen to those who don't have that much power. I must listen to the new people. And I must also listen to those who don't have a voice because they're not human, but the tree in my neighborhood or the tiger in my forest also has to have a voice. Now, how do you bring that voice in? That comes from a certain level of wisdom and maturity, which is hard to, you can't quantify it. It's very difficult to define, but it is in some senses the most important one. And that's completely missing in today's electoral politics, as you see. Tamasha. There's no wisdom or maturity at all. Isko Hindi mein karna zaruri hai? No, fine. It's fine. Haan, hum translate kar rahe hain, Ashish. Achha, theek hai. Okay. Ek aad akhir, and then I'll also have to shut. किसी के और कुछ सवाल
नीरज, जरा स्थिति मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन आशीष सर को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम ललिता सूर्यवंशी है, चिन्हारी द यंग इंडिया ग्रुप छत्तीसगढ़ से। अब मेरा स्टोरी है जो आपके विकल्प वार्ता में छपा था। जी। हाँ, सुनाई दे रहा हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं ललिता? ललिता कहिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मेरा आवाज आ रही है? आ रही है ललिता, सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, नहीं दे रहा। अच्छा हाँ, बस नहीं यही बताना था मेरे को। हाँ हाँ, नहीं वो तो मैंने प्रोफाइल में देखा ना, आपका नाम देखा और वो स्टोरी तो मुझे याद है, और स्वर्णिमा से अभी भी संपर्क रहता है, तो चिन्हारी तो हम लोगों के लिए बहुत ही एक प्रेरणादायक अगुवाई है जो आप लोगों ने की है, बहुत बढ़िया। आपका विकल्प वार्ता में एक बार वो भी किया था ना, तो चर्चा भी की थी। हाँ हाँ, प्रेजेंटेशन। कैसा चल रहा है चिनारी का काम? ठीक चल रहा है? So I think we can take one more question and then conclude, Ashish. मेरा कुछ पूछना है। मेरा एक सवाल है। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ रही है, हाँ रही है, हाँ रही है। Yes, आशीष जी, मुझे ये जानना था कि जैसे आपने कहा कि अभी हमने अल्टरनेट के ऊपर में काफी कुछ बातें किया। और हेलो जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? राहुल आप म्यूट हो। राहुल आप म्यूट नहीं कह रहा था, मुझे आ रही है, आपको आ रही है आशीष भी आवाज? आशीष सीम्स काइंड ऑफ ऑफ अगेन एंड वर्क इश्यूज दैट हैज एंडेड सीम्स। टाइप ही कर सकते हो अगर तब तक चैट में। नहीं मैं डायरेक्टली पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ, आ गया वापस, पता नहीं बार बार क्यों ड्रॉप हो रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी है ना कि चले। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि इतने सारे विकल्प है और वैकल्पिक रूप से देश और दुनिया में तमाम तरीके की जो परिवर्तन है या काम है वो करने के लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ में ही एक अगर कोशिश करते हैं ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है उससे निकल के, तो इसके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं या फिर उसमें आपको ढालने के लिए हमें किस तरीके से उस पर काम करना है? हाँ जी, चैलेंजेस चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। सबसे पहले तो एक मानसिक चुनौती है कि हम अपने आज के माइंडसेट से निकल के कैसे हम दूसरी तरफ सोचने की कम से कम शुरुआत तो करें कि हाँ ये विकल्प, ये वैकल्पिक रास्ता हो सकता है मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल या हमारे लिए एज अ कम्युनिटी, है ना। तो एक माइंडसेट शिफ्ट सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से सबसे पहला चैलेंज है, और उसके लिए इस प्रकार की कहानियां बहुत जरूरी हैं। तो आज के स्कूल के बच्चों, कॉलेज के युवाओं को ये कहानियां जब जाएंगी, लोग कहेंगे कि हाँ केवल हम जो अखबार या सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं वो ही नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है और शायद मैं इस तरफ जाने की सोच सकता हूँ या सोच सक या कोशिश कर सकती हूँ, है ना। तो एक वो है, और वो बहुत बड़ी चुनौती है, कोई छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि आजकल इतना ब्रेन वॉशिंग हो रहा है हम सबका ना। दूसरा है कि क्या मौका है या नहीं हमारे पास, क्योंकि मैं चाहता भी हूँ, चाहती भी हूँ कि ये करना है, लेकिन मेरे पास वो मौका नहीं है, मेरी वो स्थिति नहीं है उस तरफ बढ़ने की, जो शायद पहले भी सवाल पूछा था जयरा ने या किसी ने कि कई लोग स्थिति में नहीं होते हैं कि इस तरफ हम बढ़ पाए, है ना। या फिर पेरेंट्स के प्रेशर हो सकते हैं, समुदाय का प्रेशर हो सकता है कि आप उस ऐसे पागलपन क्यों कर रहे हैं, आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, है ना। तो ये एक
एक सामाजिक माहौल या आर्थिक माहौल भी ऐसा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। तीसरा है कि जो प्रणाली, जिस प्रणाली के खिलाफ हमें कहीं ना कहीं तो आवाज उठानी पड़ेगी अगर हमें इस दिशा में जाना है, वो हम पे भारी पड़ेगा, वो अलाउ नहीं करेगा, कोशिश करेगा कि हम चुप हो जाएं। हम तो अभी छोटे हैं इसलिए शायद अभी कुछ बोले नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी आवाज अगर बढ़ने लगी या किसी इस तरह के मूवमेंट के साथ जुड़ गए जो थोड़ा एक कांटा बना हुआ है सिस्टम में, तो सरकार या कंपनियां जो है वो दे विल हिट बैक। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती कि हम किस प्रकार से अपने आप को सशक्त बनाएं उस प्रकार के प्रहार को सहने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, उसमें लॉयर्स भी हों, उसमें मीडिया के लोग भी हों, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, इसमें एकेडेमिक्स भी हों जो मदद के लिए आ सकते हैं। सबके खिलाफ सरकार नहीं कर सकती है, तो वो सब एक साथ आएंगे तब थोड़ा हमें मजबूती मिलेगी। चौथा ये है कि हमारे पास शायद उतने मॉडल भी कम हैं जिससे हम सीख पाए। मतलब गतिविधियां तो बहुत हैं, इनिशिएटिव्स बहुत हैं, लेकिन उस पर दस्तावेजीकरण कम। हम जब भी हम तो वो भी एक चैलेंज है कि अगर मुझे इस दिशा में बढ़ना है लेकिन मुझे कहां से मैं सीख पाऊं। अभी जैसे पिछले साल हम लोगों ने एक प्रक्रिया शुरू की जिसका नाम है विकल्प सूत्र, क्योंकि कोविड के दौरान क्या हुआ था आपको मालूम ही है कि लाखों लोग अपने गांव में वापस गए, और उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनको वापस शहर नहीं आना था क्योंकि उनको मालूम था कि शहर आएंगे तो उसी तरह की बुरी स्थिति में काम करना पड़ेगा और आगे जाके कोई और क्राइसिस आई तो फिर काम छूट जाएगा, है ना। लेकिन गाँव में उतने ऑप्शन नहीं थे तो ज़बरदस्ती ज़्यादातर लोगों को वापस आना पड़ा इंडस्ट्री में या शहर में। तो हमने विकल्प सूत्र का शुरुआत इसलिए की कि एक नेटवर्किंग प्रक्रिया हो जाए कि जहाँ पे गांव या छोटे कस्बे के छोटे शहर के स्तर पे लोगों ने डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स का काम किया है, एक सम्मानदायक आजीविका का काम किया है, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। और हो सकता है कि कोई पंचायत जहाँ पे 30 लोग वापस आ गए हैं वो इंटरेस्ट लेके उसी प्रकार का कुछ गतिविधि शुरू करे ताकि उन 30 लोगों को वहीं पे काम मिल जाए, एक सम्मानदायक आजीविका मिल जाए। तो इस प्रकार का नेटवर्किंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी बहुत जरूरी है, उसके इसके अभाव में वो एक चैलेंज बन जाता है कि मैं किस दिशा में जाऊँ, मुझे करना है कुछ फर्क लेकिन किस दिशा और कैसे करूँ, ये एक इश्यू आता है। एनीवे ये सब कुछ चैलेंजेस हैं और भी हैं, बट इट्स नॉट ईजी। तो मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन पूरी हम मतलब उस मानसिकता से चलें कि हाँ बदलाव करना है, लेकिन अड़चने आएंगी, दर्द होगा, लेकिन हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है इस दिशा में अलग दिशा में जाना। इसी में मुझे एक और मतलब इसी प्रश्न को जोड़ते हुए कि क्या हमारे कोई ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं जिसमें हम खुद को जांच पाए या समझ पाए कि हम उस वैकल्पिक जो रास्ते। देखिए और इसी के साथ एक और प्रश्न था इसी में जोड़ते हुए कि जो जैसे हम जो युवा साथी हैं जो इस रास्ते में निकल तो पड़ रहे हैं या इस रास्ते पे आए, तो उनके लिए फिर हम कैसे ये दरवाजे खोल सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं। जी देखिए योग्यता का धीरज ऐसा है कि मुझे लगता है कि हर इंसान योग्य है, पर यह ढूंढना होगा कि हमें किस प्रकार की योग्यता कहाँ पे लगाएं। कुछ लोग लोगों को मोबिलाइज करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग दो लोगों की लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच में समझौता लाने के लिए योग्य हैं, कुछ लोग लिखने में बहुत योग्य हैं, कुछ लोग गाने में हैं, कुछ लोग कला में हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं हैं, योग्यता है, कैपेसिटीज हैं, स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है। कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि हम ना योग्य हैं, लेकिन हाँ ये समझना जरूरी है कि मेरी वो क्या स्किल है, क्या योग्यता है और किसको कहाँ इसकी जरूरत है ताकि वो मैं मदद कर पाऊँ। तो इसमें भी एक नेटवर्किंग की बहुत जरूरत हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारे पास लगभग हर हफ्ते 2-3 इंटर्नशिप्स के रिक्वेस्ट आते हैं, कल्पवृक्ष के पास वो क्षमता नहीं है लेने की, लेकिन विकल्प संगम में 80 संगठन हैं, तो हम सोच रहे थे कि इस प्रकार का एक कुछ नेटवर्किंग शुरू करें, तो ऐसा अगर एक आता है रिक्वेस्ट तो हम
सारी 80 संगठनों को पहुंचा दें, इसमें से जिसके पास वो कैपेसिटी है, जिसको वो जरूरत है उस तरह की इंटर्नशिप की, वॉलंटियर की, या काम की, या किसी को काम में जुड़ना है, तो फिर वो थोड़ा ज्यादा व्यापक और थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी तक शुरू नहीं हुआ है लेकिन ये सोच रहे हैं इस तरह का करना। तो आई थिंक कैपेसिटीज मतलब कोई खास बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कहें, मुझे लोग डॉक्टर आशीष कहते हैं, कोठारी कहते हैं, मैंने कभी डॉक्टरेट की नहीं, तो दो तीन किताबें लिख दी तो सब लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्ञानी है, इसलिए डॉक्टर बन गया है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादातर लोगों के साथ काम करने में और एक्टिविज्म करने में ही बड़ा है। तो आप अपने रास्ते ढूंढें एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन ये कभी मत सोचिए कि वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपके पास नहीं आ सकती। हाँ, कुछ बहुत टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो ठीक है, वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इस प्रकार के काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो लोगों ने अपने आप ही सीख लिए हैं, अपने आप ही टेक्नोलॉजी सीख ली है, अपने आप ही बॉटनिस्ट बन गए हैं, अपने आप ही लोगों को कैसे मोबिलाइज करना है वो भी सीख लिया। तो आई थिंक दैट कैपेसिटी एग्जिस्ट इन एवरीबडी, यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट इज द राइट मैच बिटवीन व्हाट यू नो एंड डू एंड व्हाट इज नीडेड। प्रति अब सवाल पूछने लगे, कुछ डाउट्स